Hello students, welcome back. So this is part 3 of your series 1 of your computer section basically. And इसमें जो है मैंने आपको सारे basic questions आपसे discuss किए हैं with lots and lots of explanations plus जितने भी related topics आपके यहाँ से बन सकते हैं and जितने भी extra questions हैं या फिर expected questions हैं आपके हर exam में आने के लिए. इसमें सिर्फ आपका बैंकिंग एसएससी यूपीएससी ही कवर नहीं होता. जिस भी गवर्नमेंट एग्जाम में आपके कंप्यूटर सेक्शन पूछा जाता है वो सारे क्वेश्चंस आपकी इन स्लाइड से कंप्लीट हो जाएंगे. राइट, सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कंटेंट अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब करो, लाइक करो और कंटेंट को शेयर भी करो अपने फ्रेंड्स के साथ. राइट, चलिए. सो ये फर्स्ट क्वेश्चन इज अ डायरेक्ट एंट्री इनपुट डिवाइस. ये इसमें से इन चारों में से डायरेक्ट एंट्री इनपुट डिवाइस कौन सा है, आपका ऑप्टिकल स्कैनर, माउस, लाइट पेन या फिर ऑल ऑफ दीज, बताइए. तो द आंसर इज इसमें से माउस को छोड़ के आपका ऑप्टिकल स्कैनर और लाइट पेन, ये दोनों ही डायरेक्ट एंट्री इनपुट डिवाइसेस हैं. अब ये डायरेक्ट एंट्री इनपुट डिवाइसेस होते क्या हैं, ये वाली स्लाइड जो है थोड़ी सी बड़ी होने वाली है. यहाँ पर मैं थोड़ी सी एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशंस आपको देने वाली हूँ ताकि आपको सारे इनपुट डिवाइसेस के बारे में पता चले और कहीं से भी आपका क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको आंसर कर पाएं. राइट, तो अब ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का मतलब क्या है. हमने इनपुट डिवाइस तो हमें पता है कि जो इनपुट डाटा देते हैं आपकी कंप्यूटर को, इन्फॉर्मेशन फेच करते हैं, वो होते हैं इनपुट डिवाइसेस. अब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट से मतलब है कि जो डाटा है आपका या फिर जो कमांड है वो किस तरीके से आपके सिस्टम में एंटर कर रही है. ठीक है, अब एग्जांपल्स इसके क्या क्या हैं डायरेक्ट एंट्री इनपुट डिवाइसेस के, या फिर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की हम बोले इनपुट डिवाइसेस के एग्जांपल्स अगर आपसे पूछे जाएं. इनपुट डिवाइसेस जो होते हैं आपके, आपसे ये पूछा जा सकता है कि ऑप्शंस दे देंगे आपको और आपको सिलेक्ट करना होगा इसमें से इनपुट डिवाइस कौन सा है. तो सबसे पहले कहीं नोट डाउन कर लीजिए आपके इनपुट डिवाइसेस कौन कौन से होते हैं. माइक्रोफोन, ये आपका इनपुट डिवाइस है. देन कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, लाइट पेन, ट्रैक बॉल एंड वॉट, कीबोर्ड, माउस, ये सब हमने डिस्कस कर लिया. स्कैनर, ग्राफिक टैबलेट, ठीक है, स्कैनर एंड ग्राफिक टैबलेट्स. इसमें से इन सभी ऑप्शंस में से कोई भी ऑप्शन दिया जाए और बोला जाए इनमें से इनपुट डिवाइस कौन सा है, तो ये है आपके इनपुट डिवाइसेस. अब मैंने आपको बता दिया इनडायरेक्ट और इनडायरेक्ट का मतलब होता है कि आपका डाटा या कमांड किस तरीके से एंटर कर रही है. ठीक है, अब जो आपके डायरेक्ट एंट्री डिवाइसेस हैं अब उसके बारे में डिस्कस करते हैं कि ये जो डायरेक्ट एंट्री डिवाइसेस हैं आपके, जो क्वेश्चन में पूछा गया है कि वो होते क्या हैं. ये डायरेक्ट एंट्री डिवाइसेस वो डिवाइस होते हैं जो डायरेक्टली डाटा को सेंड कर देते हैं सोर्स से. ठीक है, सोर्स से आपके कंप्यूटर में. ठीक है, जैसे भी कोई भी सोर्स है वहां से डायरेक्टली आपका डाटा एंटर हो जाएगा कंप्यूटर में. इसमें क्या है, कोई भी फिजिकल काम नहीं करना पड़ता, कोई भी फिजिकल इंटरेक्शन की जरूरत नहीं होती आपकी डिवाइस को. राइट, ये आपको ध्यान रखना है, कोई भी इसमें फिजिकल इंटरेक्शन की जरूरत नहीं होती. अब जैसे ऑप्टिकल स्कैनर है, लाइट पेन से, इनमें फिजिकल इंटरेक्शन नहीं होती आपके कंप्यूटर के साथ, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कैसे. अब आपको ये सुनना है कि इनडायरेक्ट जो होते हैं, अब ये डायरेक्ट एंट्री की तो हमने बात कर ली, इनडायरेक्ट एंट्री इनपुट डिवाइसेस कौन से होते हैं. ये वो डिवाइसेस होते हैं जिसमें एक फिजिकल इंटरेक्शन की जरूरत होती है, डिवाइस को जो है मूव करना पड़ता है या डिवाइस के ऊपर कोई फिजिकल काम करना पड़ता है आपको ताकि आप उस डाटा को फेच करा सकें. राइट, अब कैसे, मैं क्या बोल रही हूँ आपको, जैसे एक कीबोर्ड है, ये भी एक इनपुट डिवाइस है और माउस भी आपका क्या है, इनपुट डिवाइस. अब जो कीबोर्ड और आपका माउस है, ये आपका कंप्यूटर है या आपका कीबोर्ड है, ये कीबोर्ड आपके कंप्यूटर के साथ सीपीयू के साथ जो है कनेक्शन होता है इसका, तब जाके आप इस कीबोर्ड पे कुछ भी लिखोगे तो आप इस डाटा को कैसे फेच कर सकते हो, एक फिजिकल
सॉरी, एक फिजिकल मीडियम है इनके बीच में, ठीक है, एक कनेक्शन है, फिजिकल कनेक्शन। ऐसे ही आपका माउस है, जब तक आप माउस को अपने हैंड से ऑपरेट नहीं करोगे, उसको हिलाओगे नहीं या फिर उसमें बटन्स प्रेस नहीं करोगे, तब तक आपके कंप्यूटर में कोई भी चीज़ जो है, कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होगा। और ये माउस भी क्या है, कुछ माउस जो है वायरलेस आते हैं, ठीक है, कुछ माउसेस जो है वायरलेस भी आते हैं आपके, और कुछ माउस जो है कैसे होते हैं, वायर के साथ भी कनेक्टेड होते हैं। तो इसमें भी एक फिजिकल इंटरेक्शन की जरूरत हुई, ठीक है, हमारी जरूरत हुई इसमें। लेकिन कई केसेस में जो है आपके डायरेक्ट एंट्री इनपुट डिवाइस में माउस को भी लिया जाता है, बिकॉज जो माउस, अगर ये कंसिडर कर लेते हैं कि भाई ये वायरलेस है, तो इसमें डायरेक्ट एंट्री ये भी कर देते हैं, ठीक है। तो और आपको क्या याद रखना है कि डायरेक्ट एंट्री डिवाइसेस में आपके कौन कौन से होते हैं एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, ये भी हम डिस्कस करेंगे इसमें। अब पहला है आपका मैग्नेटिक स्ट्राइप रीडर, STRIPEREADER। अब ये मैग्नेटिक स्ट्राइप रीडर क्या है, आपसे पहले तो पूछा जा सकता है कि ये एंट्री इनपुट डिवाइस है, तो हाँ ये इनपुट डिवाइस होता है। देन ये कौन सा इनपुट डिवाइस है, ये है आपका डायरेक्ट एंट्री इनपुट डिवाइस। अब मैग्नेटिक स्ट्राइप रीडर है क्या, बेसिकली ये क्या करता है, इट इज यूज टू रीड डाटा फ्रॉम मैग्नेटिक स्ट्राइप्स। ये जो मोस्टली कहाँ पर पाई जाती है आपकी मैग्नेटिक स्ट्राइप्स, ये जो आपके बैंकिंग के कार्ड्स है ना, उन पे मिलती है ये स्ट्राइप्स। इसमें क्या होता है कि इंफॉर्मेशन जो होती है उसको हम डायरेक्टली जो है पुट कर सकते हैं, और क्विकली भी, ठीक है, टाइपिंग से जो अच्छा है कि हम डायरेक्टली पुट कर दें। अब ये जो है आपके मैग्नेटिक स्ट्रिप्स वाले जो डिवाइसेस को जो रीड करता है मैग्नेटिक स्ट्रिप्स रीडर, तो ये हमने क्या बताया आपको कि बैंकिंग के कार्ड्स में, अब आपका जो एटीएम कार्ड होता है ना, एटीएम कार्ड है या जो भी कार्ड्स होते हैं आपके, तो उसमें ये क्या करता है कि जो आपके दुकान पे जो कार्ड स्वाइप की मशीन होती है ना, बेसिकली ये वो ही मशीन जो है आपकी, ये इसको रीड करती है मैग्नेटिक स्ट्राइप्स को। जो आपके नंबर्स वगैरह लिखे होते हैं आपके कार्ड्स पे या जो भी चीज़ होती है ना, वो आपके मैग्नेटिक इंक से लिखी होती है, और वही चीज़ ये क्या करता है, रीड कर लेता है, राइट। तो इसमें क्या होता है, जैसे आपकी ये मशीन होती है, आप यहाँ पर नंबर्स लिखे होते हैं आपके शॉप पे, ठीक है, जो भी शॉप वाले यूज करते हैं, आप इधर से, इधर उसके एक चीज होती है ना, जो जिसमें आप अपना कार्ड डालते हो, राइट हैंड साइड पे जो एक कार्ड डालते हो, यहाँ से वो स्वाइप होता है आपका कार्ड, और इधर से आप इन्फॉर्मेशन वगैरह डाल देते हो कि भाई इतना इतना अमाउंट हमें पे करना है, और आपको एक स्लिप निकल के आ जाती है, ठीक है। अब ये है आपका मैग्नेटिक स्ट्राइप रीडर, जो हम साइड से कार्ड डालते हैं। अब एक होता है आपका चिप रीडर। अब ये मैग्नेटिक स्ट्राइप रीडर का क्या होता है, ये सिक्योर नहीं होता, ये जो ये वाला रीडर है ये सिक्योर नहीं होता ज्यादा। क्यों, क्योंकि इसमें जो, अब हमें भी पता है कि ये जो हमारा कार्ड है इसमें सारी की सारी इंफॉर्मेशन हमारी एक चिप में स्टोर होती है, तो इतना ज्यादा ये वाला जो है कार्ड सिक्योर होता नहीं है। दूसरा कि जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो भी इसमें क्या होती है, लिमिटेड होती है। अब बात करते हैं चिप रीडर्स की, हमने बात करी मैग्नेटिक रीडर्स, अब चिप रीडर्स के बारे में थोड़ा सा जल्दी से जान लेते हैं कि जो आपके चिप रीडर हैं ये किस तरीके से काम करते हैं और ये कहाँ पर यूज किए जाते हैं चिप रीडर्स। आई होप ये आपने सारा नोट कर लिया होगा, ये मैं आपका इरेज कर रही हूँ। सो मूविंग टू द चिप रीडर्स नाउ, या चिप रीडर्स क्या करते हैं, इट दे रीड्स डाटा फ्रॉम द चिप ऑन द बैंक कार्ड्स। ये जो आपके बैंक कार्ड्स हैं, आप जो कार्ड्स यूज करते हो, जो अभी हमने यूज करा एटीएम वगैरह, उसमें एक गोल्डन कलर की जो है चिप लगी होती है, आपको भी पता आगे है ना, कभी भी अपना एटीएम वगैरह उठा के देखना, उसमें आपको एक चिप नजर आएगी, उसमें एक गोल्डन कलर का ब्लैक कलर की स्ट्राइप्स होंगी उस चिप पे, वो वाली चिप होती है, ठीक है। अब ये जो होता है, ये एडवांटेज इसका है कि ये सिक्योर होता है आपका मैग्नेटिक स्ट्राइप्स वाले सिस्टम से, मैग्नेटिक स्ट्राइप रीडर से ये सिक्योर होता है। प्लस इसमें क्या होता है, बहुत सारा डाटा स्टोर हो जाता है, और एक ना इसमें पिन होती है, ठीक है। इस वाले में क्या करना पड़ता है आपको,
पिन डालनी पड़ती है सबसे पहले जब आप गए दुकान पे। अब ये इस तरीके का होता है, ये ऐसी मशीन होती है आपकी, है ना, जो आपका कार्ड नीचे से डालते हैं, वो ये डालते हैं आपकी पिन की तरफ से आपका कार्ड, सॉरी जहां पर आपका ये क्या होता है चिप लगी होती है, चिप की तरफ से कार्ड डालते हैं, यहाँ से इंफॉर्मेशन फेच करते हैं। अब ये वाला जो मशीन है, ये वाली मशीन है, ये ज़्यादा सिक्योर होती है। ये सिक्योर इसलिए होती है क्योंकि कई जो दूसरी वाली होती है उसमें स्वाइप करना होता है और आपसे कोई पिन विन नहीं मांगी जाती है। इसमें क्या है कि जब आप ये दुकान वाले इसमें डालेंगे कार्ड, तो आपको एक PIN पिन होती है आपकी अपनी, पिन को क्या बोलते हो आप, पर्सनल, ये भी आपसे फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, ठीक है। पहले पिन डालोगे तब जाके जो भी आपकी प्रोसेसिंग है, जितना भी अमाउंट कटना होता है वो कट जाता है। तो ये आपके मैग्नेटिक स्ट्राइप रीडर से क्या होते हैं, अच्छे होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए, अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि मैग्नेटिक स्ट्राइप रीडर या फिर चिप रीडर इसमें से ज़्यादा सिक्योर कौन सा है, तो आप बोलोगे चिप रीडर ज़्यादा सिक्योर है, ठीक है। और ये कहाँ पर होते हैं, अब क्या होता है कि इसमें डायरेक्टली आपने जो है इंफॉर्मेशन फेच कर दी, आपने डायरेक्ट कहीं कनेक्शन करने की जरूरत नहीं हुई, ना ही आपको उस कंप्यूटर के साथ कनेक्शन करने की जरूरत हुई, जहां से भी आपका पैसा कटना था बैंक के ATM से कट गया, बैंक के वहां से आपका पैसा कट गया, आपको स्लिप आ गई। इसमें इसी वजह से इसको डायरेक्ट इनपुट कहते हैं। हमने सिर्फ कार्ड यहाँ पर डाला, डायरेक्ट इनपुट कराया और सारी इंफॉर्मेशन इसमें आ गई, आपकी प्रोसेसिंग भी हो गई। उसमें भी यही हुआ था, कार्ड स्वाइप हुआ यहाँ पर और सारी इंफॉर्मेशन प्रोसेस हो गई, ठीक है। अब कोई इसमें ये नहीं है कि आपका एक लंबा सा तार जुड़ा हुआ है आपके बैंक में, के खाता जो है उसके उस खाते के साथ जो कंप्यूटर्स वगैरह यूज हो रहे हैं उनके साथ कोई कुछ ऐसा लिंक तो नहीं है ना, तो डायरेक्ट था ये। अब इसमें जो है, ठीक है, आपका ATM का कार्ड होता है, अब मैंने आपको बता दी कि ATM कार्ड में जो ऊपर वाली चिप होती है गोल्डन कलर की, तो वो चीज़ होती है आपकी चिप की जिसमें हम बात करते हैं, जिसमें आपकी सारी इंफॉर्मेशन जो है स्टोर होती है। अब तीसरा जो ये इनडायरेक्ट इनपुट डिवाइस है, ये है आपका पिन कार्ड्स। पिन कार्ड्स क्या होते हैं, दे आर यूज टू एंटर डाटा इन टू ATM, देन दे कैन आस्क यू व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ दिस ATM। फुल फॉर्म ऑफ दिस ATM इज ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ठीक है। और कहाँ पर ये पिन पैड्स यूज होते हैं, इट इज EFTPOS सिस्टम, एंट्री डोर्स में ये यूज होते हैं। अब पिन कोड क्या करता है, पिन कोड्स ये बेसिकली पिन कोड्स को रीड करता है। पिन कोड्स जो हैं ये आपके प्रिवेंट करते हैं अनऑथराइज एक्सेस से, जब आपके ATM में से पैसे निकलते हैं तो वहां पर ये नंबर लिखे रहते हैं, ठीक है। अब वहां पर आपको पिन पैड जो है वो आपका यूज होता है। अब ये कैसे यूज होता है आपको, ये मैं आपको बता देती हूँ कि पिन पैड्स का क्या फंक्शन है। बेसिकली आपको अभी समझ नहीं आया होगा, आप जाते हो ATM पे, आपको एक मशीन दिखती है, यहाँ पर आपको एक कीबोर्ड टाइप दिखता है जहां पर आपको नंबर्स वगैरह और ये सब, यहाँ पर आपकी स्क्रीन होती है जहां पर आता है ना आपको क्या बताना पड़ता है यहाँ पर, और इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से डालते हो, है ना, अपना कार्ड का नंबर यहाँ डालते हो और कैसे डालते हो, इन्फॉर्मेशन वगैरह भी कैसे डालते हो आप यहाँ से, ठीक है। तो यही चीज़ वो बता रहा है कि यहाँ से आ गई आपके डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन, यहाँ से सिर्फ आपको थोड़ा देना है डाटा और डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन कहाँ फैच हो गई आपके कंप्यूटर में, और यही इसी को बोलते हो आप पिन पैड, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, डायरेक्टली वो रीड कर लेगा और आपके क्या करेगा, प्रोसेसिंग कर देगा ये कंप्यूटर, और आपका क्या होगा, पैसे निकल के आ जाएंगे आपके ATM में से, जितना भी आपने अमाउंट यहाँ पर डाला होगा। तो ये थे आपके पिन पैड्स, ये भी होते हैं आपके डायरेक्ट एंट्री इनपुट डिवाइसेस। और क्या होता है आपका OCR, OCR आपसे बहुत बार पूछा जाता है। OCR इज ऑप्टिकल कैरेक्टर कार्ड रीडर। अब किसी भी फॉर्म पे, ठीक है, किसी भी फॉर्म पे आपको जो आपको OMR वगैरह है उस, ठीक है, किस कोई भी फॉर्म जो है अगर आपको उस पे से इंफॉर्मेशन रीड करनी है तो आप क्या यूज़ करोगे, OCR का। आपने फॉर्म लिया, एक एक मशीन सी होती है आपको हाथ में पकड़नी होती है फॉर्म लिया, या फिर एक वैसी ये मशीन्स भी आती है जिसमें डायरेक्ट आप फॉर्म को डालोगे अपने
और ये OCR उस फॉर्म को या फिर उस पेज को पूरा रीड कर देगा, ठीक है। देन इज योर बारकोड रीडर, बारकोड रीडर काइंड ऑफ ये ऑप्टिकल स्कैनर भी होता है। अभी बारकोड रीडर क्या होता है, जब भी आप किसी शॉप वगैरह पे जाते हो, ठीक है, तो क्या रहता है आपका कि ये कोड को डायरेक्टली स्कैन कर देता है फ्रॉम द प्रोडक्ट्स, ठीक है। या फिर कोई बुक लेने जा रहे हो या कुछ भी लेने जाते हो आप, तो गए आप स्टोर पे, तो जब आप बिलिंग कराने जाते हो तो उनके हाथ में एक डिवाइस होता है, ठीक है। उस डिवाइस से वो क्या करते हैं, जो भी आपने मान लो मटेरियल खरीदा उसके पीछे एक स्लिप सी लगी होती है और इस तरीके की स्ट्राइप्स होती हैं वहाँ पर, है ना, व्हाइट कलर की। कभी भी देखना, व्हाइट कलर की एक चिट होती है, उसके ऊपर बहुत सारी स्ट्राइप्स होती हैं। तो यही आपका बारकोड है और ये बारकोड रीडर क्या करता है, उस चीज को रीड कर लेता है। अब ये रीड करने के बाद इन दुकानदार के पास उसका प्रोडक्ट का प्राइस, डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, ये सब आ जाता है उसके बारकोड में जो लिखा होता है, ठीक है। तो डायरेक्ट क्या कर रहा है ये इसने आपका जो भी सामान है वो उठाया, बारकोड पे पीछे का बारकोड पड़ा मशीन ने, और मशीन ये उसके साथ कनेक्टेड तो होती नहीं है आपकी कंप्यूटर के साथ, तो डायरेक्ट जो है इंफॉर्मेशन कहाँ फेच कर देती है ये मशीन, ये कर देती है आपकी कंप्यूटर में। तो ये डायरेक्ट एंट्री इनपुट डिवाइस है, राइट। सिमिलरली आपका जो लाइट पेन है, लाइट पेन है ये भी एज आप बारकोड रीडर ही जो है यूज होता है। क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर क्या करते हैं, लाइट डालते हैं, ये जो लाइट पेन है लाइट डालेगा, उसकी इंफॉर्मेशन पढ़ेगा और क्या करेगा, डायरेक्ट कंप्यूटर में आपके फेच कर देगा, डायरेक्ट कंप्यूटर को बता देगा सारी इंफॉर्मेशन। दूसरा आपने पढ़ा होगा कि पंच कार्ड रीडर्स, ओके, ये जो पंच कार्ड रीडर्स हैं ये भी हैं आपके डायरेक्ट एंट्री इनपुट डिवाइस। अब ये क्या होते हैं पंच कार्ड रीडर्स बेसिकली, या फिर पंच कार्ड्स जो होते हैं वो किस लिए यूज होते हैं आपके, पंच कार्ड ये होते हैं आपके इनपुट देने के लिए कंप्यूटर में, ठीक है। पंच कार्ड्स में होता क्या है कि एक कार्ड होता है उसमें होल्स को पंच किया जाता है, ये मैंने हर स्लाइड में आपको बार बार बताया ही है, होल्स होते हैं उसमें हम होल पंच कर देते हैं, वहां से एक लाइट पास होती है और लाइट पास हो गई उसके बाद में जहां से लाइट पास होगी जिस जिस होल में उसको 1 मानेंगे और जहां से नहीं होती उसको 0 मानते हैं। और पहले हमें पता है कि हम इंफॉर्मेशन कैसे देते हैं बाइनरी फॉर्म में अपने कंप्यूटर को, पहले जो देते थे तो वो पंच कार्ड्स के थ्रू इस तरीके से वो जाती थी। अब इन पंच कार्ड्स को क्या करा जाता था, पंच कार्ड रीडर होता था आपका एक, उस पंच कार्ड रीडर में इस पंच कार्ड को जो है प्लेस कर दिया जाता था, ठीक है। प्लेस हो गया आपका कार्ड, ये पंच कार्ड रीडर क्या करता था, पंच कार्ड को क्या, पंच कार्ड से इंफॉर्मेशन रीड करता था और आपके कंप्यूटर को जो है फेच करके देता था, कंप्यूटर तक पहुंचा देता था। अब इस पंच कार्ड रीडर्स में, पंच कार्ड में, एक पंच कार्ड में कितने करेक्टर्स आ जाते थे आपके, पूछा जा सकता है। तो 80 करेक्टर्स जो हैं आपके एक पंच कार्ड में आ जाते थे, या फिर एक पंच कार्ड 80 करेक्टर्स को होल्ड कर सकता था। एक पंच कार्ड जो बॉक्स होता है, ये जो मैंने आपको बताया पंच कार्ड बॉक्स, वो कितने पंच कार्ड्स को स्टोर कर सकता है, तो अराउंड अबाउट 2000 पंच कार्ड्स को एक पंच कार्ड बॉक्स जो है स्टोर कर सकता है। आई होप थोड़ा सा आपको समझ में आया होगा कि मैंने आपको क्या समझाया, या डायरेक्ट एंट्री इनपुट डिवाइसेस ये क्यों है ना, क्योंकि इसमें कोई भी फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं करना पड़ता आपको ऑपरेट करने के लिए, ठीक है। डायरेक्ट जो है ये एंट्री कर देता है इनपुट डिवाइस, डायरेक्ट इनपुट जो है आपके कंप्यूटर को फेच कर देता है, ओके। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू विद रिस्पेक्ट टू पंच कार्ड्स, ये जो है आपके पंच, कौन सा इसमें से पंच कार्ड के रिस्पेक्ट में सच नहीं है। दे कैन बी यूज्ड एज टर्न अराउंड डॉक्यूमेंट्स, दे आर इनएक्सपेंसिव, इनपुट इज स्लो कंपेयर्ड विद अदर मीडिया, दे आर इजिली डैमेज। तो द आंसर इज दे आर इनएक्सपेंसिव, तो ये गलत है, पंच कार्ड्स जो हैं आपके काफ़ी एक्सपेंसिव थे, राइट। बाकी सारी चीज़ें जो हैं बिल्कुल ठीक हैं इन रिलेशन टू पंच कार्ड्स। पंच कार्ड्स मैंने आपको बताई थी क्या होते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, द टू टाइप ऑफ आउटपुट डिवाइसेस, द टू टाइप ऑफ आउटपुट डिवाइसेस आर, बताइए मुझे, फ्लॉपी डिस्क, सीडी, कीबोर्ड, माउस, विंडोज। तो यहाँ से देखो विंडोज 2000
और ये विंडोज एनटी है, तो यहीं से गया क्योंकि विंडोज का तो हमें पता है ऑपरेटिंग सिस्टम है। बात आई फ्लॉपी डिस्क की और सीडी की, कीबोर्ड और माउस की। कीबोर्ड और माउस हमने अभी डिस्कस किया है, कीबोर्ड से भी हम इनपुट देते हैं और माउस भी हमारा इनपुट देने के लिए होता है, तो आउटपुट डिवाइसेस नहीं है ये। फ्लॉपी डिस्क क्या होता है, एक इस तरीके की फ्लॉपी होती है जो हम सीपीयू में डालते हैं, और ये भी जो है इंफॉर्मेशन फेच करती है, ये भी इनपुट ही है, ठीक है, इनपुट डाटा देती है। सीडी आपको पता ही है, कॉम्पैक्ट डिस्क। सीडी में मान लो कोई गाने हैं, कोई सॉन्ग है, तो वो भी इनपुट ही दे रहे हैं हम, ठीक है, तो आउटपुट तो नहीं आ रहा उससे। लेकिन जो आपका मॉनिटर और प्रिंटर है, ये दोनों हैं आपके आउटपुट डिवाइसेस। प्रिंटर से आप इन्फॉर्मेशन दोगे प्रिंटर को, अब ये प्रिंटर निकाल के देगा आपको हार्ड कॉपी। कल मैंने हार्ड कॉपी बताया था ना आपको, पेज प्रिंट करके देगा, तो आपका बाहर निकला आउटपुट आया, तो ये भी प्रिंटर। अब ये मॉनिटर, जो मॉनिटर क्या होता है, जो आप स्क्रीन देख रहे हो ना, स्क्रीन जो मेरे आपके सामने फिलहाल पढ़ते हो, जो आप स्क्रीन देख रहे हो, उसी को बोलते हैं मॉनिटर। और ये मॉनिटर आउटपुट डिवाइस क्यों है, क्योंकि अंदर से प्रोसेसिंग हो गई सीपीयू वगैरह में, अब आउटपुट जो है आपको जो पढ़ना है वो यहाँ दिख रहा है आपको ना, तो इसीलिए मॉनिटर भी जो है आउटपुट डिवाइस कहलाता है, ठीक है। टैब की इज यूज्ड फॉर, टैब की किस किस चीज के लिए यूज होती है। टैब की प्रेस करने से क्या होता है, एक तो टू इंडेंट अ पैराग्राफ, टू मूव अ कर्सर, दोनों काम ही होते हैं इसमें टैब की से। अब क्या होता है, ये है आपकी बड़ी बड़ी लाइंस, ठीक है, कोई पैराग्राफ है, यहाँ पर आपका टैब होता है। टैब की प्रेस करने से क्या होता है, आपका कर्सर यहाँ है ना, तो बहुत ज़्यादा एक ही लाइन में दूर दूर, जैसे स्पेस दबाओगे तो पहले यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, यहाँ आएगा। टैब में क्या होता है कि डायरेक्ट ही जो है काफी ज्यादा स्पेसेस मूव कर जाता है आपका कर्सर, जैसे यहाँ पर है, टैब दबाया, इधर आ गया, फिर एक लाइन में सीधा इधर आ गया। टैब ये करता है एकदम से बहुत ज्यादा स्पेस जो है वो मूव करवा देता है कर्सर का, तो मूव कर्सर भी मूव हो गया और इंडेंट भी हो गया पैराग्राफ में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ फंक्शनल कीज इन अ कीबोर्ड, या फिर नंबर ऑफ फंक्शन कीज, आपकी ये जो फंक्शन कीज होती हैं ये कितनी होती हैं कीबोर्ड में, 12, 15 या 16? तो आंसर इज 12। फंक्शन कीज होती कौन कौन सी हैं आपकी, F1, आप देखना अपने लैपटॉप में या फिर कंप्यूटर यूज करते हो, जो कीबोर्ड है आपका, कीबोर्ड में F1 से लेकर F12 जो होती हैं, इनको हम बोलते हैं फंक्शनल कीज, राइट। अब फंक्शनल कीज का आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि ये जो F1 है, F1 किसके लिए यूज होता है, ये इसको बोलते हैं आप डिस्प्ले हेल्प स्क्रीन। देन आपसे पूछा जा सकता है F2, F2 के लिए, F2 किस लिए होती है, इट्स यूज टू यूज फॉर हाईलाइटिंग या फिर हाईलाइट फाइल और फोल्डर रीनेमिंग, रीनेम करने के लिए किसी फाइल और फोल्डर को, उसको हाईलाइट कर देता है आपका F2। F3 क्या है आपका, F3 सो है आपका ओपन सर्च टूल, ये सारी इंपॉर्टेंट है याद रखना है। F3 इज ओपन सर्च टूल। अगर Alt+Alt आपकी एक की है, प्लस अगर आप F4 दबा दें, Alt+F4, इससे क्या होगा आपका कि आपकी जो करंट विंडो है वो बंद हो जाएगी, तो फंक्शन है इसका टू क्लोज करंट विंडो। देन F5, ये जितनी भी मैं आपको कीज बता रही हूँ सभी जो है आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं, तो कोई भी मिस मत करना। F5 होता है आपका रिफ्रेश द कंटेंट्स ऑफ वीडियो, टू रिफ्रेश द कंटेंट्स ऑफ विंडो, ठीक है, ये विंडो के कंटेंट्स को जो है रिफ्रेश कर देता है। F8 का फंक्शन क्या होता है, F8 जो है ये कर देता है आपके विंडो को बूट, ठीक है, सेफ मोड में बूट्स विंडो टू सेफ मोड, राइट। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब ये जो फंक्शनल कीज है, कोई ना कोई फंक्शन परफॉर्म कर रही है, पर ये कई बार क्या करती हैं ये फंक्शनल कीज, कोई सिस्टम फंक्शन भी परफॉर्म करती हैं। सिस्टम फंक्शन कैसे, जैसे आवाज़ बढ़ा दी, आवाज़ कम कर दी, ब्राइटनेस बढ़ा दी, ब्राइटनेस कम कर दी, तो ये जो F2 है आपसे ये भी पूछ सकता है कि ये F2 कौन सा सिस्टम फंक्शन परफॉर्म करता है, तो आपकी जो ब्राइटनेस है, ठीक है, इस टाइप का स्टार बना होता है ये, दिस इज फॉर ब्राइटनेस, तो ये करता है आपका ब्राइटनेस को कम,
रिड्यूस, ठीक है, ब्राइटनेस को बढ़ाता कौन सा है? अब एफ टू के साथ ही आपको एफ थ्री मिलेगा, ये ब्राइटनेस को क्या कर देता है, बढ़ा देता है, इंक्रीज कर देता है। देन F6 किस लिए यूज होता है? F6 हमारा म्यूट के लिए यूज होता है। ये सारे F1, F3, F2, F3 और F6 ये हैं आपके साउंड के लिए, ठीक है, F6 सॉरी साउंड के लिए, जो कि म्यूट कर देता है, साउंड को बंद कर देता है। F2 और F3 आपके ब्राइटनेस के लिए है। F6, F7 और F8 जो हैं, ये तीन हैं आपकी वॉल्यूम के लिए। कौन कौन सी? F6, F7 एंड F8। F6 क्या होता है? डायरेक्ट म्यूट कर देता है आपकी वॉल्यूम को। F7 क्या करता है? वॉल्यूम को डिक्रीज कर देता है। और F8 जो है वॉल्यूम को बढ़ा देता है। राइट, आई होप फंक्शनल कीज आपको क्लियर हो गई हैं और सारे के सारे फंक्शंस भी। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्नोलॉजीज यू आर मोस्ट लाइकली टू सी इन लैपटॉप कंप्यूटर्स? ये जो हमारे लैपटॉप कंप्यूटर्स हैं, इसमें हमें कौन सी जो है टेक्नोलॉजी दिखती है? तो इसमें हमें दिखती है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, LCD जिसको हम बोलते हैं, दैट इज लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। आपको लैपटॉप में क्या क्या याद रखना है? अब यहाँ मैं थोड़ी सी आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दूंगी। लैपटॉप में कितनी मेमोरीज होती है आपको ये याद रखना है। मेमोरीज आ सकती हैं, लैपटॉप की पूछी जा सकती हैं। तो मेमोरी टाइप्स हैं आपके, पहला तो सोडियम, SODIMM, सोडियम आपसे बोला जा सकता है, इसकी फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है, मेमोरी टाइप है ये लैपटॉप का। एंड इसकी फुल फॉर्म है स्मॉल आउटलाइन, ठीक है, डुअल ऑनलाइन मेमोरी मॉड्यूल। लिखना है तो जल्दी से लिख लीजिए, स्मॉल आउटलाइन डुअल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल। और ये है क्या है, ये होती है आपकी लैपटॉप की जो मेमोरीज होती हैं, ठीक है, याद रखना है ये लैपटॉप की मेमोरीज हैं आपकी। अब जैसे कंप्यूटर में क्या था, रैम रोम, इसमें क्या है, सोडियम SDRAM, ठीक है, DDR लिख लीजिए आप, DDR, SDRAM। फिर से बता दूं मैं, कंप्यूटर की मेमोरीज कौन सी होती है, रैम रोम प्रोम ई प्रोम, ठीक है, ई प्रोम ये सारी। और इसमें कौन सी होती है, सोडियम DRR, SDRAM। और SDRAM जो है ये क्या है, या फिर आप बोल सकते हो कि ये DDR की, पहले सुन लीजिए कि DDR, SDRAM जो है आपकी ये क्या होती है, ये पूरा है DDR, SDRAM। तो ये है आपका डुअल डाटा, डुअल डाटा, ये फुल फॉर्म आ सकती है, याद रखना है डुअल डाटा रेट सिंक्रोनस, सिंक्रोनस। अब DDR डुअल डाटा रेट सिंक्रोनस, ठीक है। देन आगे आएगा रैम, सिंक्रोनस रैम। तो ये है DDR, SDRAM, SDD नहीं है, SDRAM, राइट। अब कौन कौन सी मेमोरीज होती है और होती है आपकी, SDRAM, SDRAM की फुल फॉर्म होती है आपकी सिंगल डाटा रेट सिंक्रोनस रैम, सिंगल डाटा, याद रखना है अच्छे से इसको, सिंगल डाटा रेट सिंक्रोनस रैम, ओके। ये है आपकी SDRAM की क्या फुल फॉर्म। अब ये कुछ होते हैं प्रोप्रिटरी मेमोरी मॉड्यूल्स, वो भी होते हैं इसी में, ठीक है। एक तो ये वाले हो गए और एक कुछ ये हो गए। अब आपका लैपटॉप जो है वो कंप्यूटर से, हम सभी को पता है कि फ्लेक्सिबल है, पोर्टेबल है, स्मॉल है और अच्छा भी है, काम भी ज़्यादा करता है। तो इसमें क्या होता है, जैसे CPU के पीछे स्मॉल स्मॉल फैंस लगे होते हैं ना, लैपटॉप में भी छोटे छोटे पंखे आपके लगे होते हैं बेसिकली कूल करने के लिए। जैसे CPU में हीट निकलती है तो आपने देखा होगा पीछे पंखा लगा होता है CPU में, ठीक है। अब आप कहोगे कि हमारे इसमें लगा होता है, क्योंकि होता इसमें भी CPU है, फंक्शन इसमें भी होता है लैपटॉप में, वही CPU वाले। तो इसमें भी छोटे छोटे आपके फैंस लगे होते हैं, इसमें भी छोटी हीट सिंक्स लगी होती हैं, हीट स्प्रेडर्स और हीट पाइप भी जो हैं,
इसमें होती हैं, ठीक है, टू डिसिपेट हीट फ्रॉम योर सीपीयू। अब कुछ हाई लेवल के जो लैपटॉप हैं वो क्या करते हैं, हीट को रिड्यूस कर देते हैं। क्यों? अब देखो, इसमें हर एक में जो है हीट प्रोड्यूस होती होती है। अब कुछ जो बड़े अच्छे लैपटॉप्स होते हैं ना आपके, वो उसमें ज़्यादा हीट प्रोड्यूस नहीं होती। उसमें क्या होता है कि जो आपके चैनल्स होते हैं ना हीट पाइप के अलोंग, उसी में लिक्विड कूलेंट भी होता है, ठीक है, लिक्विड कूलेंट डला होता है उसी में पहले से। अब ये जो लिक्विड कूलेंट है ना, ये थोड़ा सा डेंजरस होता है आपका, बट इस वजह से जो है ये लैपटॉप्स गंदी हवा भी जो है पास करते हैं, मतलब कहते हैं ना ओजोन लेयर को नुकसान पहुंचाते हैं, तो इसी कूलेंट की वजह से नुकसान भी पहुंचता है। अब कुछ लैपटॉप्स में जो है ना आपकी कैश मेमोरी भी होती है, जो क्या होता है कैश मेमोरी होती है आपकी सीपीयू के पास। अब ये क्या करता है, ये अलाउ करता है सीपीयू को डायरेक्टली इंफॉर्मेशन जो है इस कैश मेमोरी से ये फेच कर लेता है। तो इसी वजह से कि ये जो लैपटॉप्स हैं ये फास्ट होते हैं आपके, ठीक है, मैंने ये नहीं कहा हर एक उसमें, पर काफी में ना ये कैश मेमोरी ऑन होती है आपके लैपटॉप में। और ये कैश मेमोरी होती कहाँ पर है, ये होती है आपके लैपटॉप में सीपीयू के पास। तो जब भी हमारे किसी को भी जब हमें कोई इंफॉर्मेशन चाहिए सीपीयू को, तो ये डायरेक्टली ना उस कैश मेमोरी से फेच करेगा इंफॉर्मेशन, और ये हो जाएगा फास्ट इसलिए। अब कुछ लैपटॉप में क्या होता है, लार्ज बसेस जो है वो यूज करते हैं, जो डाटा को प्रोसेसर मदरबोर्ड और मेमोरी के बीच में बहुत जल्दी मूव करा देते हैं, ठीक है। उसकी किस वजह से होती है कि बस जो होती है जो डाटा को कैरी करती है बहुत लार्ज बसेस यूज होती हैं, प्रोसेसर मदरबोर्ड और मेमोरी के बीच में जो है वो जल्दी से आपकी क्या करवा देती है, कम्युनिकेशन बसेस। अब इसमें क्या बात करते हैं हम कि LCD जो कि है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। अब इसकी बात कर लेते हैं, हमने लैपटॉप के बारे में तो जान लिया काफी बिल्कुल ब्रीफ में थोड़ा सा। ये जो है मैंने अब रब कर रही हूँ मैं, ये मेमोरीज की आपको नाम याद होने चाहिए। अब LCD का फंक्शन कैसे, अब LCD आपने टीवीज वगैरह में सुना होगा आजकल, जो आप लेके आते हो अपने घर में, पहले तो टेलीविजन ही बोलते थे, आजकल क्या बोलते हो भाई, LCD है या LED। अब LCD और LED क्या होता है ये डिस्कस करते हैं, और किस तरीके से वर्क करता है, राइट। तो आपको अगर देखनी है ये वीडियो तो ठीक है, अदरवाइज मैं यही बोलूंगी, अगर आपको लगता है ज्यादा आपको पढ़ाया जा रहा है तो आप क्या करो, या तो स्पीड तेज कर लो उसकी, या फिर स्किप कर जाओ आगे वाले पार्ट पे, ओके। तो LCD का मैं बता देती हूँ आपको कि कैसे काम करता है। देखो LCD क्या होता है आपका, कि यहाँ से एक लाइट पास होती है, ठीक है, लाइट पास हो गई। अब ऐसा नहीं है कि भाई अलग अलग तरीके की लाइट पास, एक जगह से पास होती है लाइट। अब यहाँ पर आपके लगे होते हैं वर्टिकल पोलराइजर्स। वर्टिकल पोलराइजर क्या करते हैं आपके, कि सिर्फ जो है वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ लाइट उसी को पास करवाते हैं, हॉरिजॉन्टल को कर देते हैं ब्लॉक। यहाँ से हो गए आपके वर्टिकल पास और हॉरिजॉन्टल हो गए ब्लॉक। यहाँ पर जो है आपकी क्या लगे होते हैं, ये होती है आपकी LCD या फिर लिक्विड क्रिस्टल्स, यहाँ पर होते हैं लिक्विड क्रिस्टल्स, ठीक है। अब यहाँ जो ये लिक्विड क्रिस्टल्स होते हैं, ये इस तरीके से इस तरीके के लिक्विड क्रिस्टल्स होते हैं ये। अब क्या होता है कि ये ना, इस कभी कोई ऐसा रखा होता है, कोई ऐसा रखा होता है जब आपका टीवी होता है बंद, ठीक है, जब आपका टीवी बंद होगा ना मतलब ऑफ होगा, तो ये इसी तरीके से पड़े रहेंगे, राइट। लेकिन क्या होता है, जैसे एनर्जी आई इनके पास, यहाँ से जो है पहला वर्टिकल पोलराइजर लगा होता है तो वर्टिकल कंपोनेंट गया इनके पास। अब जैसे ही वर्टिकल कंपोनेंट इन लिक्विड क्रिस्टल्स के पास पहुंच जाता है तो ये क्रिस्टल हो जाते हैं एक्टिवेट। तो ये इस तरीके से जो टेढ़े मेढ़े पड़े हुए हैं ये सीधा ना पैरेलल खड़े हो जाते हैं आपस में, इस तरीके से ये हो गए आपके पैरेलल स्टैंड। जैसी एनर्जी इनको मिली इस तरीके से पैरेलल स्टैंड हो गए। अब लाइट जो है एनर्जी यहाँ से पास हुई, लाइट एनर्जी इन क्रिस्टल से पास होती है, क्रिस्टल्स चार्ज हो गए। अब जब एनर्जी इनसे पास हो गई आपकी वर्टिकल वाली, यहाँ पर लगा होता है आपका हॉरिजॉन्टल पोलराइजर। अब ये हॉरिजॉन्टल पोलराइजर क्या करता है आपका, सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ लाइट जो है पास करवा देता है, वर्टिकली नहीं करवाता। अब हॉरिजॉन्टली लाइट हमारी पास हुई, जो इलेक्ट्रॉनिक्स का बच्चा है वो समझ रहा होगा, बाकियों को शायद ना आए। अब हॉरिजॉन्टली लाइट पास होती है, अब यहाँ पर ना तीन कलर्स आपके होते हैं, तीन कलर्स बेसिकली होते हैं, तीन कलर की प्लेट्स कह लो, एक तो ब्लू या फिर रेड, ब्लू
एंड ग्रीन। अब जैसे जैसे जिस इंटेंसिटी से ये लाइट इन इन तीन कलर से पास होती है, वैसे ही हमें जो है हमारी स्क्रीन पे क्या दिख जाता है, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स, ठीक है, डिफरेंट कलर्स, डिफरेंट इमेजेस जो फॉर्म होती है इसी लाइट की वजह से होती है। और यही होते हैं हमारे LCD, और इसी को हम ना क्या बोलते हैं, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ये आगे डिस्प्ले होता है ना, ये हमारा जो टीवी देखते हैं हम, आगे ये होता है आपका डिस्प्ले आगे का, और इसीलिए हम इसको लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले बोलते हैं, क्योंकि इसमें यूज होते हैं हमारे लिक्विड क्रिस्टल्स। आपको बता दिया, अगर आपसे पूछा जाए LCD में क्या क्या यूज होता है, तो एक तो आपका जहाँ से लाइट आती है, वर्टिकल वर्टिकल आपके पॉलराइजर, हॉरिजॉन्टल पॉलराइजर और लिक्विड क्रिस्टल्स, बाकी तीन कलर्स। अगर मान लो आपकी इंटेंसिटी सेम रहे जी को भी, बी को भी, और रेड मतलब ग्रीन, रेड और ये ब्लू, इन तीनों के पास सेम इंटेंसिटी से लाइट आती है, तो हमें पता है कौन सी लाइट मिलती है, तब हमें मिलती है वाइट। और याद रखना है कि इन तीन कलर्स को कॉम्बिनेशन से ही हमारे सारे जो है हमारे कलर्स बनते हैं, जितने भी हमारे कलर्स हैं वो इन तीन कलर के कॉम्बिनेशन से ही बनते हैं। मान लो थोड़ा सा ग्रीन थोड़ा सा ब्लू मिलाओगे तो एक डिफरेंट कलर मिलेगा, ज़्यादा ब्लू ज़्यादा रेड मिलाओगे तो डिफरेंट कलर मिलेगा, थोड़ा ब्लू थोड़ा ग्रीन मिलाओगे तो डिफरेंट कलर मिलेगा। तो इन्हीं तीन कलर कॉम्बिनेशन से आपको सारे कलर्स में आपके मिल जाते हैं, और इसी तरीके से वर्क करता है आपका LCD का TV। अब आपने कई बार देखा होगा जब आप अपने TV को बंद करते हो तो एकदम से बंद नहीं होता, वो धीरे 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 लाइट कम हो जाती है ना, और जब चलाते हो तो भी धीरे 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 वो लाइट बढ़ती है। उसमें क्या होता है, जब आप चलाते हो ऑन करते हो, यहाँ से पावर दी, यहाँ से क्या हुआ लाइट पास हुई, ये जो क्रिस्टल्स होते हैं फिर एकदम से एक्टिवेट हो जाते हैं, एकदम से एक्टिवेट होंगे और ये पैरेलल एक दूसरे खड़े हो जाते हैं, राइट। जैसे ही आपने TV बंद करा, ये लिक्विड क्रिस्टल्स वापस उसी फॉर्म में चले जाते हैं, मतलब कोई ऐसे एक पड़ा है कोई ऐसे पड़ा है, वापस चले जाते हैं। और फिर इसी वजह से जब हम TV को ऑफ करते हैं वो धीरे 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 करके हमने देखा होगा स्क्रीन गायब होती है। गॉट इट? आई होप LCD का आपको फंक्शन समझ में आ गया होगा, कैसे काम करता है आपका LCD। चलते हैं आगे और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द POS डाटा एंट्री सिस्टम इज यूज्ड मोस्ट एक्सटेंसिवली बाय, मस्ट नहीं है, यहाँ आएगा मोस्ट एक्सटेंसिवली बाय। तो ये आपका POS डाटा एंट्री सिस्टम है, ये ग्रॉसरी इंडस्ट्रीज में ज़्यादा होता है। ये बेसिकली एक्सेल में एक POS सॉफ्टवेयर है, वो यूज होता है इसमें जो आपकी ग्रॉसरी इंडस्ट्रीज है। अब ये क्या करता है, इस सॉफ्टवेयर की हेल्प से ना हम बहुत चीज़ें मेंटेन कर देते हैं कि प्राइस, उसका जो भी आपके रेट्स हैं, हर आइटम का प्राइस हो गया, रेट हो गया, मतलब क्वांटिटी, रेट्स, डिफरेंट डिफरेंट आइटम्स, उनकी स्टोरेज और उनका कैलकुलेशन, भाई कितना कितना प्रॉफिट है, कितना डिस्काउंट देना, ये सब जो है इस डाटा एंट्री सिस्टम में होता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। डेटा एंट्री कैन बी परफॉर्म विद ऑल टाइप ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, जो हमारा डाटा एंट्री का फंक्शन है वो हम किस किस चीज कहाँ इन किस में से परफॉर्म कर सकते हैं और किस से परफॉर्म नहीं होता। तो ये जो OCR है, OMR है, MICR है, COM है, योर आंसर इज COM। हम डाटा एंट्री का ऑपरेशन जो है COM के से परफॉर्म नहीं कर सकते, COM कुछ नहीं। अब ये MICR, OCR और OMR है क्या, पहले डिस्कस करते हैं हम MICR के बारे में। MICR की आपको फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, तो इट इज मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर, करेक्टर रीडर, ठीक है, ये है आपकी MICR की फुल फॉर्म। अब MICR की जो फुल फॉर्म है ये क्या करता है, MICR ये कंप्यूटर का अलाउ करता है टू रिकॉग्नाइज द करेक्टर्स दैट आर प्रिंटेड यूजिंग मैग्नेटिक इंक। अब जो भी करेक्टर्स आपके मैग्नेटिक इंक से प्रिंट हुए होते हैं, ये मैग्नेटिक जो रीडर है ये उनको रिकॉग्नाइज कर लेता है और आपके कंप्यूटर को जो है बताता है कि कौन कौन से क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। ये MICR कहाँ यूज होता है, ये होता है आपके बैंक्स में यूज, ठीक है। डेटा एंट्री मेथड है जो यूज होता है आपके बैंक चेक के नीचे जो नंबर्स लिखे होते हैं ना, उसको रीड करने में बेसिकली। अब आपका आपने सबके पास जो होगा चेक देखा होगा, अब चेक देखते हो आप जहाँ 2 लिखते हो और यहाँ अमाउंट वगैरह होता है, अब नीचे आपने देखा होगा एक नंबर लिखा होता है ब्लैक से, और वो जो नंबर होता है बड़ा सा वो लिखा होता है आपका मैग्नेटिक इंक से,
ठीक है, ये नंबर आपका मैग्नेटिक इंक से लिखा होता है। अब ये जो MICR डिवाइस है ना, जो बैंक वगैरह में यूज होता है, ये इसी नंबर को जो है रीड करने के लिए यूज होता है, राइट। जो भी चीज आपकी मैग्नेटिक इंक से लिखी जाएगी, वो मैग्नेटिक इंक का करेक्टर रीडर आपका रीड कर लेगा और कंप्यूटर में जो है इंफॉर्मेशन फेच कर देगा। अब ये मैग्नेटिक इंक जो बनी होती है, ये बनी होती है आपके स्पेशल मैग्नेटाइज पार्टिकल्स की हेल्प से, ठीक है। अलग ही इंक होती है, ये रेगुलर इंक नहीं होती, ये मैग्नेटाइज पार्टिकल से बनी होती है आपकी इंक, जिसको हर किसी के रीड करना पॉसिबल नहीं है, सिर्फ MICRU करेक्टर्स को रीड कर सकता है। अब चलते हैं हम OCR पे। OCR क्या है आपका? इट इज ऑप्टिकल करेक्टर रीडर। पहले फुल फॉर्म याद करनी है आपको कि OCR की फुल फॉर्म क्या होती है। तो OCR की फुल फॉर्म है ऑप्टिकल करेक्टर रीडर। OCR क्या चीज रीड करता है आपकी? इसमें जो टेक्स्ट पेपर पे होता है ना, ये वो रीड करता है और एक इमेज में ट्रांसलेट हो जाता है, जो आपका कंप्यूटर क्या कर सकता है, मैनिपुलेट। ओके, अब इसमें स्कैनर यूज होता है आपका, स्कैनर यूज होता है जो टेक्स्ट को रीड करता है, और सोफेस्टिकेटेड जो सॉफ्टवेयर यूज होते हैं वो एनालाइज करता है इमेज को, ठीक है। क्या करता है? टेक्स्ट को रीड करता है, सोफेस्टिकेटेड सॉफ्टवेयर्स को फॉर एनालाइजिंग द इमेज। स्कैनर इसमें यूज होता है OCR में, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर में, ठीक है। अब MICR हो गया है, OCR हो गया, और OMR। OMR क्या है आपका? OMR आपको सभी को पता है, आपकी OMR शीट्स होती है ना। OMR जो शीट्स होती है, मतलब जिसमें आपके गोले गोले बने होते हैं और आपने आंसर में आपने गोले मार्क कर दिए, आपको पता होता है ना, आप जब ये मार्क करते हो ABCDE ऐसे करके आंसर मार्क करते हो, है ना। तो ऐसा ही OMR शीट्स को जो चीज रीड कर सकती है, वो होता है आपको OMR रीडर, ठीक है। इसी की हेल्प से, OMR रीडर की हेल्प से आप इन OMR शीट्स को रीड करवा सकते हो, या फिर रीड होती है इसी OMR की वजह से ही। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज MICR? MICR अभी हमने डिस्कस किया था, क्या है ये? मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर। ओके, तो ये याद कर रखना है आपको। MICR की फुल फॉर्म आ सकती है, और क्या होता है ये? इनपुट डिवाइस काइंड ऑफ होता है, इनपुट डिवाइस, इनपुट देने के लिए। प्लस किस तरीके की उसको रीड करता है? ये आपके जो चीज भी मैग्नेटिक इंक से लिखी होती है ना, उसको ये MICR रीड करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ CRT? CRT, अब CRT है क्या? पहले तो आपको इसकी फुल फॉर्म याद करनी है। इट इज कैथोड रे ट्यूब। अभी कैथोड रे ट्यूब क्या है? आपको पता है, जो हमारे पहले टेलीविजन वगैरह होते थे, तो उसमें क्या यूज होता था बताइए मुझे? CRT, ठीक है। आजकल क्या यूज होने लगे हैं? आजकल आने लगे हैं LCD, LED, है ना। एक में तो LED में लाइट एमिटिंग डायोड यूज होते हैं, इसमें लिक्विड क्रिस्टल्स यूज होते हैं आपके LCD में, जो हमने अभी दो क्वेश्चंस पहले ही पढ़ा था कि क्रिस्टल्स। अब पहले टाइम के जो आपके टेलीविजन आते थे ना, उसमें ये LCD LED नहीं यूज होता था, उसमें यूज होता था आपका कैथोड रे ट्यूब, राइट। अब ये कैथोड रे ट्यूब का काम क्या होता था कि अब जैसे इसमें LCD ने क्या किया, जो आपका डिस्प्ले आया LCD की हेल्प से ही आया ना, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले हुआ। अब उस टाइम पे कैथोड रे ट्यूब की वजह से आप मूवीज वगैरह या जो भी आपका टीवी चलता था, वो होता था आपका उसकी वजह से, कैथोड रे ट्यूब। अब इसमें क्या होता है, थोड़ा सा आपको फंक्शनिंग जान लेनी है, और ये जान लेना है कि क्या कैसे ये फंक्शन करता था, कैथोड रे ट्यूब। अब ये जो कैथोड रे ट्यूब है, ये एक टेक्नोलॉजी है जो ट्रेडिशनल कंप्यूटर्स में, मॉनिटर्स में, टेलीविजन में आपकी यूज होती थी, राइट। ध्यान रखना है आपको। अब कैथोड रे ट्यूब का मैं आपको बना के दिखाती हूँ कि ये किस तरीके से बनती है, और फिर आप इसको देख के, आप अगर कुछ और भी आ जाएगा ना कि कौन सा पार्ट नहीं है CRTA का, और कुछ और भी आ गया, तो आप जल्दी से उसमें आंसर मार्क कर दोगे, राइट। अब देखिए क्या होता था पहले, कि यहां से हमारे मान लो एक टेलीविजन है जहां आप टीवी देखते हो,
और ये आपका केबल है, सॉकेट है, यहाँ पर लगा होता था, ठीक है, यहाँ सॉकेट में। इसी तरीके से ना यहाँ पर सीआरटी में क्या होता था, सप्लाई होती थी, चार चार सप्लाई होती थी आपके पीछे, यहाँ से पावर आती थी। अब ये थी आपकी पिंस, टोटल पिंस कितनी यूज होती है सीआरटी में, फोर, ठीक है। सप्लाई आई इधर से, देन आगे आपका क्या होता था, सप्लाई के बाद में यहाँ पर यूज होता था आपका कैथोड, ठीक है, इसको आप बोलते थे बेस, ये इलेक्ट्रॉनिक्स के बच्चों के लिए, फिर से मैं यही बोलूंगी। देन क्या होता था, इधर होता था आपका एक कैथोड, कैथोड रे इससे बोलते हैं, कि यहाँ पर कैथोड होता था, और ये क्या होता था, इधर होता था हीटर, ये हो गया कैथोड, ये था आपका हीटर। एंड और क्या होता था, हीटर के ऊपर ही आपका यहाँ आता था कंट्रोल ग्रिड, बेसिकली हीटर को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। अब यहाँ से पावर आई, हीटर ने हीट कर दिया कैथोड को, कैथोड हीट हो गया। अब कैथोड से निकली आपकी इलेक्ट्रॉन बीम, कैथोड से निकलती थी इलेक्ट्रॉन बीम जो जाती थी इस तरीके से, ठीक है, ये है आपकी इलेक्ट्रॉन बीम। अगर आपसे पूछा जाए और क्या होता था, कैथोड यूज होता था और इलेक्ट्रॉन बीम और हीटर, ये थी आपकी इलेक्ट्रॉन बीम, ठीक है। सीआरटी से कैथोड रे ट्यूब से क्या निकली कि इलेक्ट्रॉन बीम, और इस ये फिर क्या आता था, आगे आता था आपका पहले कंट्रोल ग्रिड और फिर ये थी एनोड, ठीक है। कैथोड के बाद यहाँ से क्या आया, इलेक्ट्रॉन बीम गया एनोड के पास, फिर ये जाएगा आपका फोकसिंग एनोड्स, ये फोकस कर देता था एक पर्टिकुलर उसके तरफ, एक डायरेक्शन में, ठीक है। फोकसिंग एनोड ये भी था इसका पार्ट। फोकसिंग एनोड के बाद ये जो इलेक्ट्रॉन बीम थी ये आगे जाती थी, राइट, देन ये कहाँ जाएगी, आपकी डिफ्लेक्शन प्लेट्स की तरफ, फोकसिंग बीम अब यहाँ गई आपकी, यहाँ होती थी आपकी डिफ्लेक्शन प्लेट्स, और क्या यूज होता था यहाँ पर, डिफ्लेक्शन प्लेट्स, डिफ्लेक्शन प्लेट्स यूज हुई, और उसके बाद में आगे यूज होती थी इस तरीके से हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट्स, ये सारे हैं आपके सीआरटी के पार्ट। और किसी दिन आपको वैसे फंक्शन बताऊंगी, अभी फिलहाल आप ये जान लो कि इसमें क्या क्या यूज होता था, हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट्स, ठीक है, हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट्स। अब दूसरी जो ये स्क्रीन थी आपकी, ये जो स्क्रीन थी जहां पर आप टीवी देखते थे, इस स्क्रीन को आप क्या बोलते थे, फ्लोरोसेंट स्क्रीन, या फिर इसको बोलते थे हम फॉस्फोरस स्क्रीन, फॉस्फोरस स्क्रीन, ओके। हमने अब डिस्कस कर लिया है क्या क्या होता था इसमें, एनोड, एनोड के बाद फोकसिंग एनोड, राइट, ये एनोड हो गया, फिर आगे ये फोकसिंग एनोड हो गया। फोकसिंग एनोड के बाद क्या होता था आपका, वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट्स, डिफ्लेक्शन प्लेट्स आई, वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट्स, फिर आगे गए हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट्स, ये जो बीच में जाता था ये थी आपकी इलेक्ट्रॉन बीम, ठीक है, डिफ्लेक्ट होके, ये जब डिफ्लेक्ट हो गई आपकी हॉरिजॉन्टली तो यहाँ पर जो है ये डिस्प्ले कर देती थी। अब यहाँ कैथोड भी यूज होता था, वो हीटअप होता था, हीटर यूज होता था, जो इसको कंट्रोल करता था वो कंट्रोल पैनल था, पिंस या सॉकेट जहाँ से सप्लाई आती थी आपकी इसमें, ठीक है। अब ये जो सीआरटी थी ना, सीआरटी कैथोड रे ट्यूब जिसको बोलते हैं पूरा, ये था आपका वैक्यूम ट्यूब, ठीक है, इसको क्या बोलते थे, सीआरटी ट्यूब को वैक्यूम ट्यूब भी इसको बोला जाता था, वैक्यूम ट्यूब, वैक्यूम वो होता है जिसमें कोई भी एयर ये सब चीज पास नहीं कर पाती, बिल्कुल वैक्यूम होता है, ठीक है, इट वॉज अ वैक्यूम ट्यूब। और आपको क्या देखना है कि ये जो सीआरटी थी, ठीक है, ये क्या करती थी, ये आपके इलेक्ट्रिकल, ये आपसे पूछा जा सकता है कि कौन से सिग्नल को किसमें कन्वर्ट करती थी, तो इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल सिग्नल आते थे बिजली की फॉर्म में, है ना, टू किसमें कन्वर्ट कर देती थी, विजुअल सिग्नल्स में, मतलब जो आपको जो आप देख सको उस फॉर्म में आपके कन्वर्ट हो जाते थे, ठीक है। उस तो ये थी आपकी सीआरटी की, ये एक टेक्नोलॉजी जो आपके ट्रेडिशनल जो कंप्यूटर्स थे या आपके टीवीज वगैरह थे उसमें जो यूज होती थी। अब मैंने आपको ज्यादा इसमें नहीं समझाया, बट ये आपको ध्यान रखना है, ये कैथो या ये हीट होके इलेक्ट्रॉन बीम आती थी। अब ये जो फोकसिंग एनोड्स हैं, ये एनोड हो गया, ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो आपके डिफ्लेक्शन प्लेट्स हो गई,
हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल सबका अलग अलग फंक्शन है, और फिर यहाँ पर आके आपकी इमेज फॉर्मेशन हो जाती थी जो कि आपको ध्यान रखना है। और स्क्रीन किसकी थी? ये थी आपकी फॉस्फोरस की। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज ओसीआर? ओसीआर अभी हमने डिस्कस किया है, इट इज ऑप्टिकल कार्ड रीडर। ठीक है, अब ये जो ऑप्टिकल कार्ड रीडर है ये क्या करता था? इट स्कैन्स प्रिंटेड टाइप रिटन या फिर हैंड रिटन टेक्स्ट। ठीक है, हैंड रिटन टेक्स्ट में भी ये क्या क्या जो है आपका स्कैन कर लेता था? ओसीआर, न्यूमेरिकल टेक्स्ट या फिर लेटर्स, नंबर, सिंबल, ये सबको जो है स्कैन करके इनको कन्वर्ट कर देता था उस फॉर्मेट में जिस फॉर्मेट में हमारा कंप्यूटर उसको आसानी से समझ सके। अब ये फॉर्मेट क्या था? या तो वो प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देता था या फिर किसी वर्ड डॉक्यूमेंट में कन्वर्ट कर देता था आपका ओसीआर। ओके, दैट इज ऑप्टिकल करेक्टर रीडर, ऑप्टिकल कार्ड रीडर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रिंटर्स कौन कौन से थे? विच वन इज द बेस्ट, लेजर या इम्पैक्ट? तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रिंटर्स कर लेते हैं सबसे पहले, कि प्रिंटर्स में दो टाइप के जो प्रिंटर्स होते थे ये थे आपके, एक तो इम्पैक्ट एंड नॉन इम्पैक्ट। अब ये इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कौन से थे? इम्पैक्ट के सबसे पहले आप जो है एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, अगर आपको एग्जाम्पल पूछे जाएं इस इम्पैक्ट प्रिंटर के, तो एग्जाम्पल इस इम्पैक्ट के थे आपके डॉट मैट्रिक्स, आगे धीरे सारा समझाऊंगी मैं इसमें, डेजी व्हील, लाइन लाइन प्रिंटर, ये सारे एग्जाम्पल थे आपके इम्पैक्ट के, ड्रम, चेन, बैंड, राइट। अब नॉन इम्पैक्ट जो थे, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के एग्जाम्पल थे आपके इंकजेट, इंकजेट एंड लेजर प्रिंटर। ध्यान रखना है यहाँ से क्वेश्चन 100% आता है और यहाँ से भी, तो अच्छे से पढ़ना है, राइट। अब ये हो गए आपके इम्पैक्ट प्रिंटर्स, प्रिंटर के दो टाइप्स इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट। अब इम्पैक्ट प्रिंटर्स कौन से होते थे? इम्पैक्ट तो नाम से ही पता चल रहा है कि इम्पैक्ट छोड़ना, छाप छोड़ना। अभी इम्पैक्ट क्या करता था? इट मेक्स कॉन्टैक्ट विद पेपर वाइल प्रिंटिंग, मतलब जब भी कोई भी प्रिंट करना होता था पेपर को, तो ये उस पेपर को डायरेक्टली स्ट्राइक करता था। ठीक है, डायरेक्टली उस पेपर को कॉन्टैक्ट करता था, फिर उसके कांटेक्ट के बाद ही ये जो है एक प्रिंट इमेज को बनाता था। अब क्या करता था मैं आपको फिर से बताती हूँ, इट मेक्स कांटेक्ट विद पेपर वाइल प्रिंटिंग, ये प्रिंट इमेज बनाता है। कैसे बनाता है प्रिंट इमेज? ये प्रिंट इमेज बनाता है बाय प्रेसिंग इंक्ड रिबन अगेंस्ट पेपर यूजिंग, क्या यूज करता था उसके लिए? हैमर एंड पिंस। ठीक है, एक यहाँ पर जैसे आप लगा लो एक इंक इंक्ड पेपर था, ब्लैक इंक भी हो सकते हो, कलर्ड इंक भी। अब इंक्ड पेपर को जब हम प्रिंटर में की कोई भी की प्रेस करते थे तो क्या होता था कि इस रिबन को, ठीक है, इस इंक्ड रिबन को प्रेस करता था, ये स्ट्राइक करा इंक्ड रिबन को, और यहाँ पर हमारा क्या है? पेपर। ठीक है, यहाँ से प्रेस हुआ या तो हैमर ये बोलते हैं या फिर पिंस, इनकी हेल्प से, हैमर या पिंस की हेल्प से ये स्ट्राइक होता था पेपर पे, और जो जो चीज स्ट्राइक होती थी, ठीक है, वहां वो चीज यहाँ इस पेपर पे लिखी जाती थी। कैसे होता था? लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, इस तरीके से यहाँ पर प्रिंटिंग होती थी इम्पैक्ट में, मतलब डायरेक्ट पेपर को ये जो है स्ट्राइक करता था। अब इम्पैक्ट प्रिंटर के भी अलग अलग पार्ट थे जो कि डॉट मैट्रिक्स, डेजी व्हील, लाइन, ड्रम। अभी डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो था आपका, डॉट मैट्रिक्स यहाँ कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, मैं अगेन टेलिंग यू, तो ये मत सोचना कि ये छोड़ दें या फिर ये बहुत डिटेल में पढ़ा रही है। तो सुनिए, अभी डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो था, ठीक है, ये था आपका 9 to 24 पिंस का, 9 to 24 पिंस का। ये पिंस क्या होती थी? ये पिंस पैटर्न ऑफ डॉट्स बनाते थे पेपर पे, ठीक है, पैटर्न ऑफ डॉट्स बनाते थे पेपर पे टू फॉर्म इंडिविजुअल करेक्टर्स। अब जो 24 पिन वाला आपका प्रिंटर था, ये आपको ध्यान रखना है, याद रखना है कि 24 पिन वाला प्रिंटर ज्यादा डॉट्स प्रोड्यूस करता था 9 9 पिन वाले प्रिंटर से, ठीक है, उसके मुकाबले। अब आपको क्या है ये
इसमें क्या होता था कि जब भी आप कुछ स्ट्राइक करते हो ना पेपर पे, तो छोटे 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 डॉट्स की फॉर्म में ये करेक्टर्स को बनाता था, इसीलिए इसको डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर बोलते थे। ठीक है, डॉट्स की फॉर्म में कोई भी चीज प्रिंट होती थी। फॉर एग्जाम्पल सी करना है तो सी ऐसे प्रिंट नहीं होगा, सी इस तरीके से डॉट 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 करके सी प्रिंट होगा। ऐसे ही डी प्रिंट होगा आपका डॉट 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 करके। और ये जो आपकी पिन थी ना, 24 पिन और ये 9 पिन, इन्हीं 24 पिन से हर करेक्टर और हर वर्ड जो है आपका बनता था। 24 पिन वाला ज्यादा फास्ट था 9 पिन वाले से। स्पीड क्या थी इसकी, जो आपकी डॉट मैट्रिक्स है इसकी स्पीड थी 100 से लेकर 600 कैरेक्टर्स पर सेकंड जो है ये टाइप कर देता था, 100 से लेकर 600। अब आप बात करते हैं डेजी व्हील की। जो डेजी व्हील प्रिंटर था आपका, ये इसको डेजी व्हील इसलिए बोलते हैं बिकॉज जो प्रिंटिंग मैकेनिज्म है वो एक डेजी की तरह लगता है, राइट? कि हर पेटल के एंड पे ना जो डेजी होता है आपका फ्लावर, वो एक डेजी फ्लावर की तरह लगता है। और हर पेटल के एंड पे एक क्या होता है, एक फुली फॉर्म करेक्टर होता है, फुली फॉर्म करेक्टर होता है जो कि एक सॉलिड लाइन, ठीक है, एक सॉलिड लाइन प्रिंट प्रोड्यूस कर देता है। अब हैमर जो होता है ना, हैमर क्या करता है, हमने ऊपर भी पढ़ा था ना, हैमर या फिर ये पिन वो स्ट्राइक करती थी मैग्नेटिक टेप को। अब ये हैमर और जी या फिर जो पिन होती है आपकी, वो हैमर उस पेटल को स्ट्राइक करती है जिसके पास आपका करेक्टर होता है। मान लो इसके पास कोई करेक्टर है सी। अब ये जो हमारा हैमर है, ठीक है, ये इसने स्ट्राइक किया इस पेटल को। अब ये स्ट्राइक हुआ तो अब ये क्या करेगा कि ये यहाँ पर जो भी इस पे पेटल पे स्ट्राइक करेगा, जो भी इसके पास करेक्टर है वो टाइप हो जाएगा हमारे पेपर में। इसीलिए इसको बोलते हैं डेजी व्हील, क्योंकि एक डेजी फ्लावर की तरह होता है, डेजी की तरह होता है। हर एक पेटल पे कोई एक फुली फॉर्म करेक्टर होता है, सी डी ई ए बी सी 1 0 1 2 3 कुछ भी। और वो जब क्या होता है, स्ट्राइक होता है आपके उससे हैमर से, तो वो सीधा प्रिंट कर देता है आपके पेपर में वही सेम करेक्टर। इसीलिए इसको डेजी व्हील भी बोला जाता है। थोड़ा ब्रीफ है, अगर आपको थोड़ी नॉलेज होगी इनकी तो आपको जरूर समझ आएगा ये, ठीक है। देन कम्स योर लाइन प्रिंटर। लाइन प्रिंटर कौन से होते हैं, लाइन प्रिंटर्स, ये प्रिंटर्स जो हैं जहां भी आपका बल्क में मटेरियल प्रिंट होता है ना, जहां पर भी बल्क में मटेरियल प्रिंट करवाया जाता है वहां पर ये लाइन प्रिंटर्स यूज होते हैं। अब ये जो लाइन प्रिंटर्स हैं, एक ही बारी में, ठीक है, एक पूरी लाइन को प्रिंट कर देते हैं। ये नहीं है एक एक करेक्टर करेक्टर प्रिंट नहीं करेंगे, एक ही बारी में एक पूरी लाइन को प्रिंट कर देंगे। और लाइन प्रिंटर जो होते हैं बहुत ज्यादा फास्ट होते हैं, ठीक है। अब पूरी लाइन को प्रिंट कर देंगे पर मिनट में, 1 मिनट में ये कितनी लाइन प्रिंट कर सकते हैं, 1200 से लेकर 6000 लाइंस को ये प्रिंट कर सकते हैं 1 मिनट के अंदर, ठीक है। अब ये जो लाइन प्रिंटर है ना आपका, लाइन, अब यहाँ से मैं आपको थोड़ा सा क्या कहते हैं, इरेज कर दूं ताकि थोड़ा सा मैं आपको और समझा पाऊँ आगे। आई होप आपको समझ आ रहा होगा जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ। जो ना आए प्लीज मुझे बता दीजिएगा। आपको इंक्वायरी आईडी प्रोवाइड करी हुई है, आप उस इंक्वायरी आईडी पे हमें बता सकते हैं कि मैम ये समझ नहीं आया, तो हम कोशिश करेंगे आपको दूसरी दोबारा से इसको समझाने की प्रॉपरली, राइट? देखिए, अब ये जो लाइन प्रिंटर है आपके, मैंने क्या बताया कि ये वहां यूज होते हैं जहां बहुत ज्यादा मटेरियल प्रिंट करना होता है। ये 1200 से लेकर 6000 लाइन को 1 ही मिनट में प्रिंट कर देते हैं। अब लाइन प्रिंटर के एग्जाम्पल्स हैं आपके कौन कौन से, ये जो ड्रम, चेन और बैंड, ये 3 प्रिंटर्स हैं आपके लाइन प्रिंटर्स के एग्जाम्पल। आपसे पूछा जा सकता है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि आप विच वन इज द लाइन प्रिंटर, या फिर विच वन इज द एग्जाम्पल ऑफ लाइन प्रिंटर। तो आपको याद रखना है ड्रम, चेन और बैंड लाइन प्रिंटर के एग्जाम्पल है। और ये लाइन प्रिंटर किसका एग्जाम्पल है, ये है आपका इम्पैक्ट प्रिंटर का। और इम्पैक्ट प्रिंटर्स होते क्या है, जो डायरेक्ट स्ट्राइक करते हैं आपके पेपर को वाइल प्रिंटिंग, उन्हें को इम्पैक्ट प्रिंटर बोला जाता है। और इम्पैक्ट प्रिंटर के टाइप से आपके डॉट मैट्रिक्स, डेजी वी, लाइन, ड्रम, चेन, बैंड, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा आपको अच्छे से। अब बात करेंगे नॉन इम्पैक्ट की। इम्पैक्ट कर लिया, टाइप्स कर लिए, और टाइप्स के भी टाइप्स कर लिए। अब बात करेंगे हम, हमने कौन कौन से प्रिंटर पढ़े, 2 मेन प्रिंटर कौन से होते हैं, इम्पैक्ट एंड नॉन इम्पैक्ट। इम्पैक्ट हमने पता कर लिया कि भाई ये पेपर को स्ट्राइक करते हैं, तो
तो ये जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स होते हैं, ये वो प्रिंटर्स होते हैं जो प्रिंट कर देते हैं विदाउट स्ट्राइकिंग द पेपर, ठीक है। इसमें डिवाइस को जो है, दे डू नॉट यूज स्ट्राइकिंग डिवाइस टू प्रोड्यूस द करेक्टर ऑन पेपर, ठीक है। देन इसके एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं, तो ये जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर हैं इसके एग्जाम्पल हैं आपके इंकजेट प्रिंटर एंड लेजर प्रिंटर, इंकजेट एंड लेजर जो यहाँ पर लिखा है। तो अब आपसे बात होती है इम्पैक्ट प्रिंटर ज़्यादा फास्ट होते हैं तो या लेज़र, तो ऑब्वियस सी बात है लेज़र ज़्यादा अच्छे प्रिंटर्स होते हैं आपके। और इम्पैक्ट का तो आपको पता ही है, इम्पैक्ट वो अलग ही चीज़ है, ठीक है। इम्पैक्ट और लेज़र में आप कंपैरिजन थोड़ी करोगे, या इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट में कंपैरिजन कर सकते हो, या फिर लेज़र और इम्पैक्ट के टाइप्स में कंपैरिजन होगा, राइट। तो ये शायद ऐसे ही लिखा होगा मैंने, तो आपको जो ध्यान रखना है वो ये। अब बात करते हैं नॉन इम्पैक्ट की। नॉन इम्पैक्ट में आते हैं आपके इंकजेट और लेजर प्रिंटर, ठीक है। लेजर प्रिंटर ये कहाँ पर यूज होते हैं आपके, जैसे ये जो लेजर प्रिंटर है ये एक फोटोकॉपी मशीन की तरह आपके यूज होते हैं, ठीक है, फोटोकॉपी मशीन की तरह। ये अब आपने देखा होगा जब आप फोटोस्टेट वगैरह कराने जाते हो, तो जरूरी नहीं है फोटोस्टेट मशीन हो, उनके साथ में जो प्रिंटर लगे होते हैं ना वो यही लेजर प्रिंटर होते हैं, ठीक है। इनकी स्पीड जो होती है हाई होती है, एफिशिएंसी बहुत अच्छी होती है। तो इससे क्या होता है कि सबसे ज्यादा अगर अच्छे प्रिंटर्स आपसे बोले जाए कौन से होते हैं, तो वो होते हैं ये लेजर प्रिंटर्स। सबसे ज्यादा अच्छा प्रिंट करते हैं, बहुत ही अच्छा प्रिंट करते हैं ये लेजर प्रिंटर्स, ओके। अब बात करते हैं कि जो आपके क्वालिटी ग्राफिक्स और जो टेक्स्ट हैं वो बहुत ही हाई क्वालिटी आउटपुट के होते हैं, राइट, बहुत ही ज्यादा हाई क्वालिटी आउटपुट। अब इंकजेट प्रिंटर जो होता है आपका, ठीक है, बात अब इंकजेट जो होता है आपका, ये जो है इंकजेट, पहले हमने कौन सा कर लिया लेजर, अब थोड़ा सा इंकजेट के बारे में बात करते हैं। ये इंकजेट प्रिंटर है, ये प्रिंट करते हैं आपके इंक की हेल्प से। इंक की हेल्प से कैसे, यहाँ पर एक इंक का बॉक्स होता है, ठीक है, वो स्प्रे करता है आपका, उस स्प्रे की वजह से आपके जो है करेक्टर्स फॉर्म होते हैं। एक इंक को इंक स्प्रे करता है एक नोजल की हेल्प से, और फिर आपके हर चीज जो प्रिंट होती है करेक्टर्स जो भी, वो इसकी वजह से प्रिंट होते हैं आपके, राइट, इंकजेट में आपके। देन इसमें क्या क्या होता है कि अगर आपसे बोले कि कौन सा प्रिंटर आपका इंक को है नोजल से इंक को स्प्रे करता है, वो है आपका इंकजेट, और ले जो फोटोकॉपी मशीन, फोटोकॉपी मशीन की तरह काम करता है वो होता है आपका लेजर, राइट। इसमें क्या है, आपको डायरेक्ट कुछ करने की जरूरत नहीं, कमांड देनी और प्रिंट होकर निकल आएगा। लेकिन जो इम्पैक्ट प्रिंटर है इसमें आपको खुद से पेज को प्रिंट करना पड़ेगा, टाइपिंग करनी पड़ेगी और फिर पेज प्रिंट होगा इसमें। अभी इंकजेट प्रिंटर है आपकी, इसकी क्या होता है 250 करेक्टर्स पर सेकेंड ये प्रिंट कर सकता है, 250 करेक्टर्स, राइट। अब आपने क्या देखा था, लाइन प्रिंटर कितना प्रिंट करा था, 1200 से 6000 लाइन पर मिनट में, है ना। और क्या था, ऊपर भी हमने क्या देखा था कि और भी जो प्रिंटर से कोई जो डॉट मैट्रिक्स था वो 100 से 600 करेक्टर पर सेकंड प्रिंट कर रहा था। तो ये थे वो प्रिंटर्स जो हम हाथ की हेल्प से प्रिंट करवा रहे थे। अब नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स वो है जो डायरेक्ट जो है हमारा निकल के आ जाता है, आपका मटेरियल कुछ भी हमें करने की जरूरत नहीं है, एज इट इज प्रिंट होके निकल आएगा, ओके। अब क्वालिटी तो ऑब्वियस ही बात है, जो लेजर प्रिंटर्स इनकी क्वालिटी तो बहुत अच्छी होती ही है, ये सबको पता है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ टर्मिनल्स इज एंटायरली डिपेंडेंट फॉर ऑल इट्स कैपेबिलिटीज ऑन द कंप्यूटर सिस्टम टू विच इट इज कनेक्टेड। अब टर्मिनल्स जो होते हैं आपके दो टाइप के होते हैं, एक होता है आपका स्मार्ट टर्मिनल और एक होता है डम्ब टर्मिनल। अब ये जो डम्ब टर्मिनल है आपका, ये वो टर्मिनल होता है जो एंटायरली डिपेंडेंट होता है कंप्यूटर की कैपेबिलिटीज पे, इसके पास खुद का कुछ नहीं होता अपना फंक्शन परफॉर्म करने का ठीक है, खुद प्रोसेसिंग वगैरह कुछ नहीं करता, ये सारा का सारा जो है ये टर्मिनल जो है कंप्यूटर पे डिपेंड करता है। अब आपने बैंक्स में देखा होगा कि एक तो मेन कंप्यूटर है जहाँ कीबोर्ड वगैरह सीपीयू वगैरह सब कुछ होता है, अब इसी के साथ में ना एक छोटा सा और कंप्यूटर वगैरह लगा होता है आपका। अब ये क्या करता है कि इसमें अब वहां ये सिर्फ ना इंफॉर्मेशन फेच करता है इस वाले कंप्यूटर से और कुछ नहीं करता,
डाटा मान लो इसने ले लिया किसी के थ्रू, अब ये सिर्फ इंफॉर्मेशन वहां से फेच करेगा और आउटपुट भी यही देगा, ठीक है। मेन काम तो ये वाला कंप्यूटर करेगा, ये सिर्फ क्या करेगा, इसकी स्क्रीन पे हर चीज डिस्प्ले होती रहेगी, ना ही इसके पास अपना सीपीयू है, ना इसके पास कीबोर्ड है, ना इसके माउस है, सिर्फ एक डिस्प्ले पर्पस के लिए बेसिकली काम करता है, और इसी को डंप टर्मिनल बोलते हैं हम, ठीक है। जो खुद का काम कुछ नहीं कर रहा, दूसरों से हेल्प ले रहा है, दूसरों का काम सिर्फ ये शो कर रहा है, अपना खुद का कुछ काम नहीं हो रहा इससे। मैग्नेटिक टेप कैन सर्व एज, मैग्नेटिक टेप किस तरीके से आपको सर्व करती है, आउटपुट मीडिया, सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया या फिर इनपुट मीडिया, बताइए जरा। मैग्नेटिक टेप्स होती क्या है, मैग्नेटिक टेप एक मीडियम है फॉर स्टोरिंग क्या डाटा, ठीक है, या फिर मीडियम फॉर मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग। अब ये मैग्नेटिक टेप्स आपने देखी होंगी पुराने जमाने में, जो आप कैसेट्स यूज करते थे ना, और इसके ऊपर जो इस तरीके की ब्लैक टेप, प्लास्टिक की ब्लैक टेप जो थी, प्लास्टिक टेप जो चिपकी होती थी ना इस तरीके से राउंड राउंड, इसी को हम बोलते थे आपकी मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक टेप्स यही थी आपकी मैग्नेटिक टेप्स। और कई बार क्या होता था, आप बहुत पुराने टाइम में जब मूवीज लगती थी, मतलब आप लगा लो 1980s, 70s में, 60s में जो मूवीज लगती थी, क्या होता था, बड़े बड़े इस तरीके के गोल गोल जो थी टेप्स होते थे, डिस्क होती थी, और उस पे जो बड़ी सी रील जो है लिपटी होती थी, है ना, वही रील की हेल्प से यहाँ पर आपकी मूवीज दिखाई जाती थी, तो वो थी आपकी मैग्नेटिक टेप। अब इन मैग्नेटिक टेप के ऊपर क्या होता था कि जो भी आपका ऑडियो वीडियो आप रिकॉर्ड करते हो, तो इसी मैग्नेटिक टेप की हेल्प से इनको जो है टेप रिकॉर्डर या फिर वीडियो जो है रिकॉर्डर करता था इन मैग्नेटिक टेप्स के ऊपर, राइट। अब जो मैग्नेटिक टेप रिकॉर्डर है, तो इसको आप ये भी बोल सकते हो टेप रिकॉर्डर, वीडियो रिकॉर्डर भी बोल सकते हो, ठीक है, और कैसेट वगैरह। अब दूसरी चीज आपको जो याद रखनी है मैग्नेटिक टेप्स में, कि ये डेवलप कहाँ हुई थी, ये डेवलप हुई थी जर्मनी में, और कब हुई थी जर्मनी में, 1928। तो 1928 में टाइम होगा जब हमने मूवीज वगैरह गाने वाने जो है अच्छे से अपने सुनने शुरू किए होंगे, ठीक है, समझ आ गया। मैग्नेटिक टेप्स होती कौन सी हैं, और इन्हीं के ऊपर आपके गाने मूवीज ये सब जो हैं रिकॉर्ड होते हैं टेप्स के ऊपर ही। अब हाँ, मैग्नेटिक टेप किस तरीके से होती है, ये होती है आपकी इनपुट मीडिया की तरह भी आप यूज कर सकते हो, इसको सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया की तरह भी यूज कर सकते हो। फादर ऑफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन से हैं, ये हैं आपके डेनिस रिची, ये है आपके फादर ऑफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। द डिवाइस दैट इज यूज टू कैरी डिजिटल डाटा अलोंग एनालॉग लाइंस इज नोन एज, द डिवाइस जो है जो डिजिटल डाटा को यूज करता था एनालॉग लाइंस के ऊपर ले जाने के लिए, वो उसको क्या बोला जाता है, बताइए जरा। इट इज नोन एज मॉड्यूलेटर, जो आपका मॉड्यूलेटर है वो डिजिटल डाटा को एनालॉग लाइंस के ऊपर लेके जाता था। अब ये मॉडम, मल्टीप्लेक्सर, डी मॉड्यूलेटर, ये सब क्या होते हैं, थोड़ा सा इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। मॉडम की अगर आपसे फुल फॉर्म पूछी जाए तो आपको बताना है इट इज मॉड्यूलेटर डी मॉड्यूलेटर, यहीं से आपको इस मॉडम से ही आपको मॉड्यूलेशन और डी मॉड्यूलेशन समझ में आ जाएगा मैं क्या समझा रही हूँ, राइट। अब मॉड्यूलेटर और डी मॉड्यूलेटर है ये, अब क्या है ये मॉड्यूले जो मॉडम है, इट इज अ डिवाइस दैट कैरी सॉरी जो मॉड्यूलेशन है, मॉड्यूलेशन का मतलब क्या होता है, या फिर मॉड्यूलेटर, इट इज अ डिवाइस दैट कन्वर्ट्स डिजिटल सिग्नल टू एनालॉग, डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में कन्वर्ट जो डिवाइस करता है वो मॉड्यूलेटर होता है, और इसको और क्या बोलते हैं टेक्निक को, मॉड्यूलेशन। और जो एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करता है, द डिवाइस कन्वर्टिंग एनालॉग सिग्नल टू डिजिटल सिग्नल्स इज नोन एज डी मॉड्यूलेटर, और दिस प्रोसेस इज नोन एज डी मॉड्यूलेशन, ओके। मॉड्यूलेशन एंड डी मॉड्यूलेशन आई होप क्लियर हो गया है आपको। अब मॉडम किस तरीके से काम करता है ये मैं आपको बता दूं, फॉर एग्जाम्पल देखो आपके पास एक कंप्यूटर है और एक कंप्यूटर यहाँ है, ठीक है,
एक आपका कंप्यूटर है, एक आपके फ्रेंड का कंप्यूटर है। अब यहाँ इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन कैसे होगी? अब ये जो कम्युनिकेशन होगी ये ऐसे होगी कि आपको आपके फ्रेंड को कोई डाटा भेजना है, ठीक है? कोई भी डाटा भेजना होगा तो जो भी आपका डाटा जाएगा वो किस फॉर्म में होगा मुझे बताओ। डिजिटल फॉर्म में होता है ना, डिजिटल बाइनरी 0 1 फॉर्मेट पता होगा ये, तो ये होता है आपका डिजिटल फॉर्म में। अब जो आप जब आप पास करवाते हो जिस मीडियम से, अब वो इस डिजिटल डाटा को नहीं समझता। जो भी आपका मीडियम है, चाहे वायर्ड मीडियम है चाहे वायरलेस है, वो इस डिजिटल डाटा को नहीं समझता। उस वो किस डाटा को समझता है? वो समझता है एनालॉग डाटा को। अब इस डिजिटल जो कंप्यूटर है आपका, आपने कोई भी इंफॉर्मेशन दी, आपको इंफॉर्मेशन सेंड करनी है अपने फ्रेंड के कंप्यूटर पे, तो आपके कंप्यूटर के साथ लगा होता था मॉडम, ठीक है? अब ये मॉडम क्या करता था? दिया आपने डिजिटल सिग्नल, ये मॉडम आपके डिजिटल को एनालॉग सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देता था, और ये एनालॉग सिग्नल हो जाते थे ट्रांसमिट, ठीक है? ट्रांसमिशन में एनालॉग सिग्नल आया, एनालॉग सिग्नल हमारा कंप्यूटर सिर्फ डिजिटल डाटा समझता है, वो एनालॉग सिग्नल्स नहीं समझता, उसको डिजिटल ही सिग्नल चाहिए। तो एनालॉग आया, मॉडम ने देखा, मॉडम क्या कर रहा, इसने यहाँ पर क्या करा, मॉडम ने एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट कर दिया सिग्नल में, और ये डिजिटल सिग्नल फेच करवा दिया आपके कंप्यूटर में, और यही डिजिटल सिग्नल आपके कंप्यूटर को चाहिए था समझने के लिए कि आपने क्या भेजा है। अब यहाँ पर क्या हुआ, डिजिटल टू एनालॉग, यहाँ पर क्या हुआ, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन। मतलब यहाँ उसने किसका काम करा, मॉड्यूलेटर का, और यहाँ उसने किसका काम करा, डीमॉड्यूलेटर का। ये होता था आपका मॉडम का काम। अब आपको समझ भी आ गया होगा ये जो डीमॉड्यूलेटर है और जो ये मॉड्यूलेटर है ये क्या होता है। ये क्या लिखा है अब यहाँ पर, द डिवाइस यूज टू कैरी डिजिटल डाटा अलॉन्ग एनालॉग लाइन्स। तो डिजिटल डाटा को कैरी ही कर रहा है ये अलॉन्ग एनालॉग लाइन्स, तो ये आपका मॉडम यूज कर रहा है कि डिजिटल से एनालॉग में कन्वर्जन ये कर रहा है, ठीक है? अब बात आती है कि हमने ये भी पढ़ लिया मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर और मॉडम, तीन चीज कंप्लीट हो गई। अब ये मल्टीप्लेक्सर क्या है? मल्टीप्लेक्सर अब हम करने जा रहे हैं कि थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ में मल्टीप्लेक्सर के बारे में बताती हूँ। मल्टीप्लेक्सर को आप MUX भी लिख सकते हो, MUX भी लिखते हो, जो इंजीनियरिंग के बच्चे होंगे उनके उनको पता होगा कि मक्स लिखा जाता है। अब ये मक्स क्या चीज़ है आपकी, तो थोड़ा सा आपको समझाने की मैं कोशिश करती हूँ। जिन बच्चों ने कंप्यूटर्स नहीं पढ़ा उनको ज़्यादा समझ में नहीं आने वाला, बट स्टिल अपनी तरफ से मैं कोशिश करूंगी कि आपको समझा पाऊँ। देखिए मल्टीप्लेक्सर क्या होता है, एक कॉम्बिनेशनल सर्किट है ये, कॉम्बिनेशनल सर्किट। अब ये कॉम्बिनेशनल सर्किट क्या करता है, ये बाइनरी इंफॉर्मेशन को सिलेक्ट करता है फ्रॉम वन और मोर सोर्सेज, ठीक है? बहुत एक से ज्यादा सोर्सेज में से ये एक बाइनरी इंफॉर्मेशन को सिलेक्ट कर देगा और उसको डायरेक्ट कर देगा आपकी आउटपुट लाइन पे। तो क्या है ये सिस्टम, ये मैं आपको एक डायग्राम की हेल्प से बताती हूँ। देखो मल्टीप्लेक्सर बनता कैसे है, ये है आपका इनपुट I0, इनपुट 1, इनपुट 2 से लेकर IN-1, राइट? देन दिस इज सिलेक्ट N-1, SN-2, यस S1 एंड S0, मक्स 2N into 1, और ये है आपका सिंगल आउटपुट। अब आपको मल्टीप्लेक्सर में याद रखना है कि मल्टीप्लेक्सर सबसे पहली चीज, जिस जो डिवाइस मल्टीपल इनपुट्स लेता है और सिंगल आउटपुट देता है, मल्टीपल इनपुट्स लेता है जो डिवाइस और सिंगल आउटपुट लेता है, वो है आपका मल्टीप्लेक्सर, ठीक है? ये एक शॉर्ट फॉर्म हुई। अब डिस्कस करते हैं कि आप इसको समझोगे कैसे। देखो फॉर एग्जाम्पल कि आपके पास, आप एक बस स्टैंड पे खड़े हो, ठीक है? और एक ही रोड है जहाँ से इन सारी बसेस को जाना है, रोड एक ही है, रास्ता एक ही है, और बसेस हैं आपकी चार, चार बसेस खड़ी हैं, बस नंबर 1, बस नंबर 2, बस नंबर 3 एंड बस नंबर 4, और ये है आपकी डेस्टिनेशन जहाँ आपको पहुँचना है। अब ये जो मल्टीप्लेक्सर है या फिर ये कौन डिसाइड करेगा कि भाई कौन सी बस पहले जाएगी, फिर कौन सी बस जाएगी, फिर कौन सी और फिर कौन सी, तो
तो ये आपका मल्टीप्लेक्सर यही काम करता है, ठीक है। कोई ना कोई तो ये डिसाइड करेगा ना, अगर भाई रोड एक है, बसेस चार चल दी, तो भाई रोड क्या हो जाएगी, ब्लॉक हो जाएगी, है ना, एक्सीडेंट हो जाएगा। और क्या हो सकता है, ऑब्वियसली बात है, जाम लगेगा। अब जब चारों एक साथ ही चल पड़ेंगी और रोड इतनी सी है, तो भाई जाएंगे कैसे ये चारों बसेस। तो ये यहाँ पर कोई ना कोई तो ऐसा बंदा बैठा होगा, वो डिसाइड करेगा भाई कौन सी बस कब जानी है। तो यही आपका मल्टीप्लेक्सर का काम है। मल्टीप्लेक्सर डिसाइड करता है कि कौन सा इनपुट पहले जाना है, और वो भेज देता है आउटपुट को, ठीक है, ऐसा आउटपुट फिर वो भेजता है आगे। क्या होता है अब इसमें, अब आप बोलोगे IN-1, SN-1 क्या है? तो ये S है आपका सिलेक्ट, इनपुट आएगा, तो ये जो सिलेक्ट लाइंस है, यही आपके सिलेक्ट करेंगे कि कौन से इनपुट को आगे भेजना है। इनपुट तो बहुत सारे आएंगे, लेकिन सिलेक्ट ये क्या करेगा, मल्टीप्लेक्सर, और फिर भेजेगा एक सिंगल आउटपुट की फॉर्म में, जहां भी जिसको जाना होगा एक सिंगल आउटपुट वो उसको भेज देगा आपका मल्टीप्लेक्सर। अब बिट्स आपको पता है, बिट्स कैसे, मान लो n बिट्स हैं, तो ये कितनी जो है वो वैल्यूज दे सकता है, कितनी वैल्यूज दे सकता है, 2n, राइट, ये इतनी वैल्यूज दे सकता है 2n, जैसे कि कॉम्बिनेशनल वैल्यूज बोलते हैं हम, बिट्स जब ट्रांसफर होती हैं तो कितनी कॉम्बिनेशनल वैल्यूज होती हैं, कॉम्बिनेशनल वैल्यूज होती हैं आपकी 2n। अब यही सेम चीज यहाँ पर है कि भाई सिलेक्ट लाइंस अगर हमारे पास SN-1 है, तो इनपुट भी हमारे कितने होंगे, IN-1, गॉट इट। चलिए अब ये सिलेक्ट लाइंस आपका सिलेक्ट कर देगी कौन सा इनपुट को पहले जाना है, वो इनपुट पहले चला जाएगा और आउटपुट बन जाएगा, ठीक है। अब क्या होता है, कई बार आपने ये भी देखा होगा, और छोटे से एग्जांपल से समझ लेते हैं हम, कि आप भी अपने फ्रेंड को फोन मिला रहे हो, ठीक है, सेम टाइम पे कोई और भी आपके फ्रेंड को फोन मिला रहे हैं, पांच छह बंदे सेम टाइम पे फोन मिला रहे हैं। अब जब मान लो कि सबने मिला दिया, अब क्या होगा, जिस बंदे ने पहले फोन मिलाया होगा वही जो है, अब डिवाइस तो एक है जिसपे आपके उसको जाना है ना, सभी को एक ही डिवाइस से कनेक्ट करना है, और यूजर्स कितने हैं या सेंडर कितने हैं, सेंडर है हमारे पास मल्टीपल, अब ये मल्टीपल सेंडर है, डिवाइस एक है। अब ये जो आपका मल्टीप्लेक्सर है, ये डिसाइड करेगा कि भाई हमें, मेरे को कौन सा सिग्नल पहले भेजना है उसके पास, तो पहला जिसने फोन किया होगा वो उसको सिलेक्ट करेगा और आपका सेंडर के पास वो सिग्नल चला जाएगा, राइट। अब बचे तीन, अब ये तीन जब आपके कॉल कर रहे होंगे और आपका दोस्त किसी से बात कर रहा होगा, तो ये क्या दिखाएगा, बिजी लाइन, बिजी, ये लाइन बिजी इसी वजह से आती है, ठीक है, क्योंकि अब एक बार में इतना ट्रैफिक हो जाएगा तो बिजी आएगी लाइन। तो आई होप आपको समझ में आएगी कि मल्टीप्लेक्सर आपका करता क्या है। ये मल्टीपल इनपुट इनपुट में से आपका एक इनपुट को सिलेक्ट करके सिंगल आउटपुट को जो है, एज अ सिंगल आउटपुट वो आगे भेजता है, और सिलेक्ट क्या करती है, सिलेक्ट लाइंस आपके इनपुट को सिलेक्ट करती हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द 16-बिट माइक्रो प्रोसेसर मीन्स दैट, 16-बिट का जो माइक्रो प्रोसेसर है उसका मतलब क्या है, कि उसके पास 16 एड्रेस लाइन है, 16 बसेस हैं, 16 डाटा लाइंस हैं, 16 रूट्स हैं, क्या मतलब है। अब ये जो 16-बिट का माइक्रो प्रोसेसर है, इसका होता क्या है, ये कि नंबर ऑफ बिट्स दैट कैन बी ट्रांसमिटेड और प्रोसेस्ड इन पैरेलल, ठीक है, 16-बिट का मतलब ही यही आता है कि कितनी नंबर ऑफ बिट्स हैं जो आपकी ट्रांसफर हो सकती हैं, ट्रांसमिट हो सकती हैं, प्रोसेस हो सकती हैं पैरेलली, ठीक है, कितनी नंबर ऑफ बिट्स, तो 16 में 16 होंगी। अब 16-बिट माइक्रो प्रोसेसर जो है आपका, इट कैन प्रोसेस डाटा एंड मेमोरी एड्रेस रिप्रेजेंटेड बाय 16 बिट्स, ये हमने बात कर ली, तो 16-बिट से रिप्रेजेंट। अब क्या है, इसके एग्जांपल्स आपको याद करने हैं कि 16-बिट का माइक्रो प्रोसेसर के एग्जांपल कौन कौन से हैं। तो एग्जांपल है इसके, तो इंटेल 8086, ये आपका माइक्रो प्रोसेसर है, याद रखना है, कहीं आ जाए आपको व्हाट इज दिस इंटेल 8086, इट इज अ माइक्रो प्रोसेसर। देन WDC65C816 इज ऑल्सो माइक्रो प्रोसेसर, ZILO Zilog Z8000 इज ऑल्सो अ माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। ये क्या होता है कि ये एक सिंपल जो सीपी माइक्रो प्रोसेसर है क्या, जैसे हमारा सीपीयू होता है ना, इसी तरीके से माइक्रो प्रोसेसर है, बट माइक्रो प्रोसेसर ये एक सिंगल चिप की फॉर्म में है, मतलब
पूरा का पूरा सीपीयू एक जब सिंगल चिप पे आ जाए ना, पूरा का पूरा सीपीयू जब एक चिप पे आ जाए, उसी को हम बोल देते हैं माइक्रो प्रोसेसर। मतलब यहाँ पर अर्थमेटिक, लॉजिकल फंक्शंस, प्रोग्रामिंग, जितनी भी चीजें हो रही है प्रोसेसिंग इसी चिप के ऊपर हो रही है, तो उसी को आप बोल दोगे माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, अब और अच्छे से एनहांस करके बताती हूँ कि ये सीपीयू के फंक्शन को एक सिंगल चिप या फिर आईसी, दैट इज इंटीग्रेटेड सर्किट पे परफॉर्म करता है। यही होता है आपका माइक्रो प्रोसेसर। और ये किस तरीके का डाटा लेता है? ये लेता है आपका बाइनरी डाटा। बाइनरी मतलब 0 1 की फॉर्म में ये आपका माइक्रो प्रोसेसर डाटा लेता है, जो मेमोरी में को क्या कर देता है, इंस्ट्रक्शन जो स्टोर होती हैं उनके हिसाब से इसे जो है प्रोसेस कराता है और आउटपुट डाटा को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, अब ये जो सीपीयू के पूरा का पूरा सीपीयू आपके आईसी पे आया है, ये कौन सी टेक्नोलॉजी की वजह से आया? ये आया आपका वीएलएसआई टेक्नोलॉजी की वजह से। अब हमने ये जो वीएलएसआई टेक्नोलॉजी पढ़ी थी, माइक्रो प्रोसेसर्स पढ़े थे, कौन से जनरेशन कंप्यूटर में पढ़े थे? ये फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में पढ़े थे। और फिफ्थ जनरेशन में कौन सी टेक्नोलॉजी हमने पढ़ी थी? यूएलएसआई, है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये आप, आई होप आप रिलेट कर पा रहे होंगे कि मैं कौन से माइक्रो प्रोसेसर की इसमें बात कर रही हूँ। तो इस माइक्रो प्रोसेसर में 16 एड्रेस लाइन की बिल्कुल 16 बसेस भी होती है, 16 डाटा लाइंस भी होते हैं, 16 रूट्स भी होते हैं। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। द लोएस्ट फॉर्म ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज इज, लोएस्ट फॉर्म कौन सी है? बेसिक, फोर्ट्रन, मशीन लैंग्वेज और कबॉल, जस्ट टेल मी। तो लैंग्वेजेस कौन कौन सी होती हैं? बेसिकली बेसिकली कंप्यूटर लैंग्वेज होती है तीन आपकी। ठीक है, पहली लैंग्वेज जो थी ये थी आपकी मशीन लैंग्वेज, मशीन लेवल। देन केम असेंबली एंड देन इज हाई लेवल लैंग्वेज। अब ये जो आपकी, अब एक एक करके डिस्कस करते हैं कि ये जो मशीन लेवल है ना आपकी, मशीन लेवल लैंग्वेज, ये आपकी यूज हुई थी फर्स्ट जनरेशन। ठीक है, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में। अब देखो, हम आप, मेरा कंप्यूटर है, आपका कंप्यूटर है, आप उसको बोल रहे हो भाई आप प्लस कर दो, आप मल्टीप्लाई कर दो। अब कंप्यूटर को तो समझ में नहीं आ रहा ना कि भाई क्या बोल क्या रहा है, तो कोई ना कोई ऐसी लैंग्वेज तो होनी चाहिए जो हमारे कंप्यूटर को समझ में आए, है ना। कोई तो लैंग्वेज होनी चाहिए, और वही लैंग्वेज जो आपके कंप्यूटर को समझ में आती है और उससे जिससे वो काम करता है, उसी लैंग्वेज को आप कंप्यूटर लैंग्वेज बोलते हो। पहली चीज, वो लैंग्वेज तीन पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, मशीन, असेंबली और हाई लेवल। मशीन लैंग्वेज आपकी यूज होती थी फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में। ठीक है, कंप्यूटर से इंटरैक्ट करने के लिए आपकी पहले ही फर्स्ट जनरेशन में होती थी आपकी मशीन लैंग्वेज यूज, राइट। अब ये मशीन लैंग्वेज किस चीज से बनी थी? हमें पता है कि जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर से बेसिकली कैलकुलेशन के लिए यूज होते थे, तो इसमें 0 1 0 1 ये इस तरीके के बाइनरी इनपुट्स लेती थी। ठीक है, असेंबली लैंग्वेज में क्या हुआ? अब ये हमारे फर्स्ट फर्स्ट जनरेशन की हो गई। अब जब हमारे सेकंड जनरेशन में हमने पढ़ा था कि क्या आया था, एक तो हमारी असेंबली लैंग्वेज यूज होनी शुरू हो गई थी सेकंड में। अब असेंबली लैंग्वेज में क्या आना शुरू हुआ कि नंबर्स के साथ साथ, ये जितने नंबर्स होते हैं हमारे, इन्हीं से बनते थे हमारे पहले नंबर्स। मशीन में तो ये सब लेते थे 0 1 0 1 बस। अब असेंबली लैंग्वेज में हमारे नंबर्स के साथ साथ वर्ड्स भी जो है यूज होने लगे, वर्ड्स, नेम, सिंबल्स भी यूज होने लगे। फिर आई हमारी हाई लेवल लैंग्वेज। अब ये जो हाई लेवल लैंग्वेज थी बेसिकली ये है हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है तो कितने टाइप्स की हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं? तो एक है आपकी पास्कल, देन फॉर्ट्रन। सबसे अगर फास्ट बोले तो ये फॉर्ट्रन अच्छी फास्ट लैंग्वेज है आपकी। कोबॉल, जावा, पास्कल, एसक्यूएल। अब ये जितनी भी लैंग्वेजेस है ना आपको याद रखनी है, ये सारी हैं आपकी हाई लेवल लैंग्वेजेस, राइट। और इनको क्या बोलते हैं? प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस भी बोलते हैं। फॉर्टन काफी अच्छी लैंग्वेज है, हाई मतलब फास्ट लैंग्वेज है। अब जो ये सी, सी प्लस प्लस, ये सारी भी लैंग्वेजेस हैं, ये सब भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं।
तो बेसिक डिफरेंस आपका जो था ये था आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में, राइट। अब इनको भी जो है ना हमने डिवाइड किया हुआ है अलग अलग सब पार्ट्स में। आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस ऑब्वियस सी बात है हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो गई। अब लोएस्ट फॉर्म ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज तो आपकी क्या कौन सी हो गई, मशीन लैंग्वेज, जो कि होती नहीं, पुराने फर्स्ट जनरेशन में ये जो है यूज होती थी। अगर बात करें कि आपकी ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है इसमें सबसे लोएस्ट कौन सी है, तो बात कर ये आ जाएगी कोबोल, राइट। अब थोड़ा सा इसकी फर्दर क्लासिफिकेशन देख लेते हैं कि हमने फर्दर इसको किस तरीके से क्लासिफाई किया है अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को। अब मैं इसको इरेज करती हूँ और आपको फर्दर पढ़ाती हूँ कि इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को हमने फर्दर कैसे क्लासिफाई कर दिया है। देखिए, सो ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं आपकी, इसको हमने क्लासिफाई करा है, एक होती है आपकी एल्गोरिथमिक लैंग्वेजेस, एल्गोरिथमिक लैंग्वेज। अब ये जो एल्गोरिथमिक लैंग्वेजेस हैं आपकी, ये बेसिकली फंक्शन जो परफॉर्म करते थे, एल्गोरिथम फंक्शंस, प्लस माइनस डिवाइड, जो भी प्रोग्राम्स में ये सारे फंक्शंस जो परफॉर्म करते हैं वो कर दिए ये वाली लैंग्वेजेस। फॉर एग्जांपल जैसे आप सी लैंग्वेज में, आपको आप सी लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखते हो कि भाई ये प्रोग्राम लिखो कि दो नंबर को मल्टीप्लाई कराने के लिए, तो एल्गोरिथमिक लैंग्वेज यूज होगी, है ना। सिमिलरली इसी तरीके के जो फंक्शंस परफॉर्म कराने होते हैं तो ये लैंग्वेज कौन कौन सी होती है, एक तो आपकी सी याद रखनी है, कई क्वेश्चन आ सकता है इसके ऊपर, तो ये आपकी एल्गोरिथमिक लैंग्वेज आपको चूज करनी है, तो चूज करोगे तो वन इज सी, सी सी प्लस प्लस, ठीक है, LISP, एल्गोल, फोर्ट्रन, ये है आपकी एल्गोरिथमिक लैंग्वेज। और होती है आपकी जो बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज होती है, बिजनेस ओरिएंटेड। अब बिजनेस ओरिएंटेड कौन कौन सी लैंग्वेज है, आप ये जो कोबोल और SQL है, ये लो लेवल ये है, लोएस्ट फॉर्म और इजी भी है, तो कोबोल और SQL है आपकी बिजनेस ओरिएंटेड। देन एजुकेशन ओरिएंटेड कौन कौन सी आ जाती है आपकी, एजुकेशन ओरिएंटेड है आपकी, एक तो बेसिक, पास्कल, लोगो और हाइपरटॉक, ये सारी आ जाती हैं आपकी एजुकेशनल लैंग्वेजेस में, राइट। देन एक होती है आपकी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। हमने सी लैंग्वेज करी थी, सी तो हो गई आपकी एल्गोरिथमिक लैंग्वेज। अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है आपकी सी प्लस प्लस, ठीक है, एडा, जावा एंड विजुअल बेसिक, ये सब है आपकी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, लैंग्वेजेस आपको बता दी गई हैं प्लस जितनी भी क्लासिफिकेशन है वो भी हमने कर ली हैं। अब आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। इन अ वर्ड, अ वर्ड इन अ वेब पेज दैट व्हेन क्लिक्ड ओपन्स अनदर डॉक्यूमेंट। अब देखो, जब भी आप कोई भी पेज ओपन करते हो, मान लो आपने गूगल पे कुछ चीज़ टाइप करी, आपका एक पेज ओपन हो गया, आपने कई पेजों पेज में रेड कलर का कुछ देखा होगा, है ना। उन जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंगो लिया हुआ है, मैंगो, मैंगो के नीचे आपको अंडरलाइन किया हुआ है और अलग सी कलर में ये लिखा हुआ है, सारा ब्लैक इंक में है, ये आपका ब्लू इंक में है और कलर नीचे आपके अंडरलाइन है। जब आप इस पे क्लिक करते हो मैंगो के ऊपर, तो आपका मैंगो के ऊपर पूरा ही पेज ओपन हो जाता है मैंगो से रिलेटेड, ठीक है, ये जस्ट एन एग्जांपल। तो इसी को हम क्या बोलते हैं कि जो पेज पे या फिर किसी भी पेज पे, वेब पेज पे इस तरीके का जो वर्ड होता है, तो उस जिसकी वजह से आपको दूसरा डॉक्यूमेंट खुल जाता है, उसको बोलते हैं हाइपर लिंक। यही होता है हमारा हाइपर लिंक, ठीक है, जिसको क्लिक करके एक दूसरा नेक्स्ट डॉक्यूमेंट हम ओपन कर सकते हैं। Which operating system is developed and used by Apple? सबको पता है iOS. Which of the following is common data elements in order? मतलब smallest से लेकर largest तक क्या order रहता है data का, तो वो ये होता है, देखो सबसे पहले क्या होता है, bits,
ठीक है, बिट्स से क्या बनता है, 8 बिट्स को मिला के क्या बनेगा आपका, बाइट। अब इन बाइट से बनेगा आपका कैरेक्टर, कैरेक्टर को मिला के बनता है आपका फील्ड, इस फील्ड को मिला के बनता है आपका रिकॉर्ड, रिकॉर्ड को मिला के बनेगा फाइल, और फिर फाइल को मिला के बनेगा आपका डेटाबेस। तो ये है आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर, ये पूरा का पूरा ऑर्डर होता है। हम मैंने आपको पूरा बता दिया, पहले क्या होता है बिट्स, फिर बनेगा बाइट, बाइट के कलेक्शन से कैरेक्टर, कैरेक्टर के कलेक्शन से फील्ड, फील्ड से रिकॉर्ड, रिकॉर्ड से फाइल, और फाइल से डाटाबेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ हाफ बाइट इज नोन एज, हाफ बाइट, एक बाइट कितनी होती है, 1 बाइट बताओ जरा, इज इक्वल टू 8 बिट्स। अब ये हाफ बाइट कितनी हो जाएगी आपकी, 4 बिट्स, और इसी 4 बिट्स को हम क्या बोलते हैं, निबल। इस 8 बिट्स को क्या बोलते हैं हम, बाइट। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, द प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन इज नोन एज, जब भी कोई आपका प्रोग्राम अपनी एग्जीक्यूशन के उसमें होता है तो उसको बोलते हैं प्रोसेस, वो प्रोसेसिंग हो रही होती है उसकी। ठीक है, इन्वेंटर ऑफ WWW, वर्ल्ड वाइड वेब, टिम बर्नर्स ली, पहले भी हमने किया है इसके बारे में, और WWW डिस्कस भी किया है, पुरानी स्लाइड्स खोल के देखिएगा। एडवांटेजेस ऑफ डी रैम इज, डी रैम के एडवांटेज क्या है, एक तो ये एस रैम से चीप होता है, और ये एस रैम से ज़्यादा जो है डाटा स्टोर कर लेता है आपका डी रैम। रैम क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, रैम और रोम दो मेमोरीज होती हैं, रैम रोम, रोम की भी अलग अलग क्लासिफिकेशन होती है, ई रोम, ई प्रोम, ठीक है, ई प्रोम, और रैम की क्या है, एस रैम, डी रैम, तो ये सब मैंने आपको करा रखी है, पढ़ना ज़रूर। तो एस रैम जो है ये एस रैम से चीपर भी होता है डी रैम, और ज़्यादा डाटा भी स्टोर करता है। पास्कल इज, अभी हमने डिस्कस किया है, ये है एक कंप्यूटर लैंग्वेज। सिस्टम सॉफ्टवेयर पैकेज दैट कन्वर्ट्स अ हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम इनटू मशीन लेवल लैंग्वेज। तो ये आपका जो कंपाइलर होता है, ये ऐसा पैकेज है जो हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम को, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल में कन्वर्ट कर देता है, राइट। अब कंपाइलर, अभी कंपाइलर करता है ये काम, हाई लेवल कौन सी होती है आपकी, प्रोग्रामिंग, और मशीन लेवल बेसिक जो होती है आपकी। ठीक है, माउस इज कनेक्टेड टू, अब हमने कल पढ़े थे दो टाइप के पोर्ट्स होते हैं, सीरियल और पैरेलल, तो ये माउस होता है आपका, ये होता है आपका सीरियल पोर्ट पे कनेक्टेड। ठीक है, अ 32 बिट कंप्यूटर वर्ड कंसिस्ट ऑफ, 32 बिट्स, ये होता है आपका 4 बाइट्स। कैसे बना ये 32 बिट्स से 4 बाइट्स बनी, कैसे, फिर से सुन लो, एट बिट्स इज इक्वल टू 1 बाइट। ठीक है, 8 × 4 32 बिट्स, इंटू 4 4 बाइट, आई होप समझ में आया हो। ठीक है, और फिर से और अच्छे से एक्सप्लेन करके बताऊं इसको, 8 बिट्स से बनी आपकी 1 बाइट, 16 बिट्स से बनी 2 बाइट, 24 बिट्स से बनी 3 बाइट, 32 बिट्स से बनी 4 बाइट, ये हो गया 8 + 8 16 बाइट, 24 और 8 32। आई होप दिस इज क्लियर टू यू नाउ, आई गेस दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, बट फिर भी मैं देखती हूँ, अगर लास्ट क्वेश्चन है तो गुड लक, टेक केयर, एंड पढ़ो अच्छे से। वीडियो पसंद आए, सेशन पसंद आए तो शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो। ठीक है, कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में, अदरवाइज जो इंक्वायरी आईडी है बेटर होगा आप उस पर भी बता दें। ठीक है, चलो, गुड लक एंड टेक केयर।